ओम ज्ञानतिमिरामुदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमयम् गुरुदेवाय धीमते सममूर्ते श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने। नमयम् विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष अवधार्य माधुर्य गुणैः युक्तम् परम वरण्यम पुरुष महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। कहाँ से आवाज नहीं आ रही? आवाज तो इधर आ रही है। सुना इधर उसको स्क्रीन को इधर हटाओ और उसका मुंह करो उस तरफ में कर दो पीछे कर उसको। हरे कृष्ण। हाँ उसको पीछे कर दो। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। आज ये गौड़ीय वेदांत समिति का जो उसमें तीन स्तंभ तीन पिलर थे जैसे ये घर खड़ा हुआ है ना जैसे पिलर की सहारा से कहिए गौड़ीय वेदांत समिति के विशेष करके उसमें तीन पिलर थे। उसमें जो दो पिलर है एक श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज और एक नितलीला ब्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। ये दोनों महाराज का एक महाराज का आविर्भाव तिथि और एक महाराज का तिरुभाव तिथि। इसलिए आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो वैष्णव के आविर्भाव और तिरुभाव महोत्सव को उपलक्ष्य में हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते वैष्णव गुणगान करिले जीवरत्राम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गदाधर पंडित को पास में जाते थे कथा सुनने के लिए तब गदाधर पंडित महाप्रभु से प्रश्न करते थे बोले भागवत का कौन सा प्रसंग को आप सुनना चाहते हो? तो महाप्रभु बोलते थे हमें भक्तों का चरित्र श्रवण कराओ क्योंकि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से उनका साधन भजन कैसे करते थे कैसे हरिनाम करते थे कैसे भगवान की सेवा भगवान की भक्ति करते थे उसको सुनने से हमारी अंदर में भी ऐसे ही उत्साह आते हैं हमें भी ऐसे भजन करनी चाहिए जैसे हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। जब तक ये
एक लाख हरिनाम पूरी नहीं कर लेते थे तब तो कोई भजन ही नहीं करते थे। इसलिए कहते आचार करने के उनाकरे प्रचार और प्रचार करने के उनाकरे आचार। आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगत रे आर्य। जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो आचरण तो कर रहे हैं लेकिन प्रचार नहीं कर रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन आचरण हीन है। लेकिन कहते हैं दोनों काम को करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं आची नोती जह शास्त्रार्थे आचार्य स्थापय स्तपि स्वयं आचरत जस्मात आचार्यस्तेन कीर्तितः। गत आचार्य किसको कहते हैं जो स्वयं पहले आचरण करते हैं उसको बाद में प्रचार करते हैं। जो आचरण युक्त जो प्रचार करते हैं उनका जो प्रचार बड़े जोर जबरदस्ती प्रचार होता है दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज बताओ हमारे गुरुजी इतने जगत में प्रसिद्ध क्यों है? कारण क्या है? बोले कारण है उन्होंने बड़े स्ट्रीक रूप में आचरण करते थे हरिनाम को एकदम अच्छे तरह। जब तक एक लाख नाम को पूरी नहीं कर लेते थे महाराज जी तब तक ये भोजन ही नहीं करते थे। फिर तो दिन भर और भी एक लाख हरिनाम दिन में गुरु जी दो दो लाख हरिनाम करते थे। इसलिए जगत में देखो इसी जगत में सबके सब क्या चाहते हैं? हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने कि हमारा नाम खूब जगत में हो। क्या 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे उनका कोई नाम अभी है क्या? सुशांत का नाम गया। इसलिए कहते भैया अगर हीरो हीरोइन बनना चाहते हो ना भगवान का भक्त बन करके एक बार हीरो हीरोइन बन जाओ। ठाकुर जी के भक्त बन कर गोपियों को देखो मीराबाई को देखो हमारे संप्रदाय में भक्तों को देखो। अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो भक्त बनकर एक बार बड़े बन जाओ। जब तक ये दुनिया रहेगी ना तब तक तुम्हारी नाम रहेगी। जैसे अभी मोदी योगी अगर इलेक्शन में नहीं आएंगे तो फिर जगत में कोई नाम ले लेगा। लेकिन हमारे गुरु जी का नाम प्रभुपाद का नाम हनुमान का नाम ये अमर हो गया कि नहीं? अगर जगत में कोई अगर बड़ा बनना चाहते हो भैया हीरो हीरोइन नहीं बन करके कोई मंत्री नहीं बन करके भगवान के भजन करके बड़े बनो। भगवान की भजन करते हुए बड़े बनो फिर तो जगत में जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगा उसको बाद में भी तुम्हारी नाम होगी। इसलिए आज केवल यहीं पर गुरु जी की हम लोग तिरुभाव नहीं मना रहे हैं अभी गुरु जी का तिरुभाव संपूर्ण विश्व में हो रही है। संपूर्ण विश्व में जहाँ जाओगे वहीं पर देखोगे आज गुरु जी के तिरुभाव संपूर्ण विश्व में हो रही है। इसलिए कहते भक्तों का चरित्र को श्रवण करने से। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव हमें माला देते ही वो माला नहीं देते हैं। गुरुदेव कहते थे हमें साक्षात गुरुदेव कृष्ण को ही हमें दे दिया ये माला नहीं भगवान गुरुदेव हमें कृष्ण को दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कभी भी ये माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए। भूखा नहीं रखना मतलब क्या है? ऐसे नहीं बगैर भगवान के भजन नहीं किया फिर भजन करना शुरू कर दिया। नहीं गुरुदेव बोलते थे पहले भजन उसके बाद में भोजन। इसलिए पहले अपना कुछ हरिनाम करो। गुरुदेव कहते थे एक दिन अगर माला नहीं जप किया ना क्या हुआ है? एक दिन ठाकुर भूखे रह गए तो ही बैठे खराब कर देते। वहां पर क्यों बैठ गया? उधर बैठो। स्थान बार बार चेंज हो रहा है ना। हे भगवान तो कोई स्वयं खराब कर दिया। बैठ गए इधर बैठो जहाँ पर बैठना चाहिए। उसको छोड़ दे बाद में कर लेना था। हरे कृष्ण। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक दिन माला नहीं किया मतलब ठाकुर जी उस दिन भूखे रह गए। ठाकुर जी स्नान नहीं किया। ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाया। इसलिए कभी भी ये माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए हैं। इसलिए पहले भजन उसको बाद में भोजन। ठीक है ना? माला को कोई भी भूखा नहीं रखना। इस नहीं गुरुदेव से माला तो ले लिया और माला लटका कर रख दिया है। दिन भर बोले समय नहीं बोले स्मार्टफोन में कितना समय लगाते हो टीवी में कितने समय लगाते हो इसके लिए तो समय है लेकिन असली कामों के लिए कोई समय नहीं हमारे। ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे नाम का प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए आज श्री गुरुपाद पद्म का आज तिरुभाव महामहोत्सव है।
लेकिन साधारण जगत में जब कोई व्यक्ति मर जाता है हम कहते वो मर गया है, लेकिन वैष्णव जगत में ये मरण शब्द नहीं। वैष्णव जगत में कहते तिरभाव, अंतर ध्यान, विरह, महामहोत्सव, ये सब शब्दों को प्रयोग करते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है जो वैष्णव लोग है संगे आए से न संगे जाए न तथा। इस जगत में जब ये आते हैं क्यों आते हैं? इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले संसार दाबा नलली ढलो त्रायनाय कारुणा करना गना तो प्राप्त सकल्याण गुणार्णवास वंदे गुरा श्री चरणारविंदम। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब संसार में जीव ये दुख कष्ट को भोग करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको देख करके श्री महाप्रभु भगवान कृष्ण कहते उनको कृपा ही एक मूर्तिमान रूप धारण करते हुए जगत में ये श्री गुरुपाद पद्म रूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए तिरभाव महोत्सव क्यों कहते हैं? यहाँ तो दिखाई पड़ा जैसे गुरुपाद पद्म चले गए, गए तो गए कहाँ, गए कहाँ? जैसे हमारे गुरुपाद पद्म श्री रमण मंजरी है, राधा रानी की ये रमण मंजरी, अरे गए कहाँ? तो भगवत इच्छा से आए थे, जब भगवान ने इच्छा की फिर अपना नित्य लीला में ये चले गए है। इसलिए यहाँ तो दिखाई पड़ता है चले गए, लेकिन गए श्री ठाकुर जी को पास में। जब एक मंजरी एक सखी इसी जगत में आ करके यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं, कहते श्री गोलोक वृंदावन में बड़ा बहुत बड़ा महामहोत्सव होता है। क्यों? श्री प्रभुपाद कहते हैं ये माया में फंसे हुए जो जीव है, अगर एक जीव को किसी तरह से समझा बुझा करके भगवान की अगर भजन में कोई लगा दिया तो कहते करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज करने से भी करोड़ गुण उसमें ज्यादा पुण्य है। अगर एक जीव को अगर प्रभु की बार में समझा करके भजन में लगा दिया तो। लेकिन जब गोलोक वृंदावन से हमारे गुरु वर्ग इस संसार में आते हैं, आ करके कितने जीवों को उन्होंने कल्याण किया गुरु जी ने, कितने जीवों को उन्होंने उद्धार किया है, हजार हजार जीवों को, लाख लाख जीवों को गुरुपाद पद्म हरिनाम दे करके और उनको भगवत भक्ति प्रदान करके उन्होंने जीव को कल्याण किया। जब करते हुए अपना गोलोक वृंदावन में विजय करते हैं, वहां पर क्या होता है? बड़ा महामहोत्सव होता है। क्यों? इसने इतने जीवों को उद्धार करते हुए उन्होंने गोलोक वृंदावन में आए। इसलिए हम लोग विरह महोत्सव कहते हैं। बोले विरह मतलब क्या? बोले विशेष रूप में रह मतलब होता है केली बार विलास करना, जो कि जाकर के नित्य लीला में ठाकुर जी को साथ में जो लीला विलास करते हैं। इसलिए आज श्री गुरुपाद पद्म का विरह महोत्सव है। कहते ये जो महापुरुष है, कहते इनका जो जन्म, अभी हम गए थे, मैं अभी गुरु जी के गांव से होते हुए अभी इधर आ रहा हूँ। इसलिए कहते श्री बक्सर में गुरुदेव ने जन्म ग्रहण किया है। जो बक्सर है हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, वो अत्यंत पवित्र तिवारीपुर गांव में और उच्च ब्राह्मण कुल में गुरुदेव जन्म ग्रहण किया है। इसलिए वहां पर हम गए थे आसपास में दर्शन करने के लिए, बड़ा पवित्र स्थान। वहां पर भगवान श्री वामन देव का स्थान भी है, वहीं पर श्री विश्वामित्र जी की वो आश्रम है जहाँ पर विश्वामित्र जी साधन भजन करते थे, जो श्री भगवान राम के जो गुरुपाद पद्म है। वहां पर अहल्या जहाँ पर श्री रामचंद्र विश्वामित्र को साथ में, वो गंगा नदी है जहाँ पर गंगा नदी गुरुदेव पार करते हुए, वहां पर श्री विश्वामित्र जी को साथ में गंगा पार जहाँ पर किए, वो समुद्र रेखा वहां पर गंगा है, वहीं पर श्री अहल्या जी की भी भजन स्थली, वहीं पर श्री विश्वामित्र के जन्म भजन स्थली और वहां पर पवित्र जो गंगा है, गंगा भी वहां पर प्रवाहित हो रहा है।
इसलिए इस समस्त दृष्टिकोण से और जहां पर उन्होंने तड़का को भी वध किया भगवान राम ने, वहीं पर हमारे श्री गुरुपाद पद्म का जन्म है, है? इसलिए अत्यंत अत्यंत उनका जो जन्म स्थान पवित्र स्थान है। इसलिए कुंती माँ कहती हैं, कहते हैं श्याम सुंदर, जिसको अंदर में एक अभिमान आ जाए तो तेरा भजन नहीं करता है, हैं? अगर किसको अंदर में अगर चार चार अभिमान गुण आ जाए तो वो तो तेरा कभी भजन करेगा ही नहीं। कहते वो क्या है, बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री रेदमान मदभुमान। कुंती कहती है वो चार चीज बड़े अभिमान ले आता है, इसका अगर एक गुण रहेगा तो भजन नहीं करता है। लेकिन हमारे गुरु जी के अंदर में देखोगे ये चार गुण परिपूर्ण रूप में विद्यमान। जैसे जन्म, कहाँ पर जन्म हुए, साधारण घर में जन्म नहीं, ब्राह्मण घर में गुरुदेव जन्म हुए। ब्राह्मण में भी ऊंचा नीचा होता है, वो तिवारी जो है वो उच्च ब्राह्मण घर में गुरुदेव जन्म हुए हैं। और हम वहां पर सुने हैं गुरुदेव वहां से दौड़ दौड़ करके जिस स्कूल में कॉलेज में गुरुजी पढ़ते थे वहां पर भी हम गए थे, तो गुरुदेव दौड़ दौड़ करके जाते थे वहां पर, और जा करके वहां पर बहुत बड़ी गंगा करके 3 किलोमीटर उसकी चौड़ाई, वो बोलते थे गुरुदेव का जो भातीजा, वो बोलते थे गुरुदेव पूरा पूरा इसको तैरते हुए पार करते थे और फिर तैरते हुए इस तरफ में आते थे इसी गंगा में, है? इसलिए गुरुदेव जन्म ग्रहण किए उच्च जन्मभूमि में, उच्च कुल में, और भगवान की लीला स्थलियों में, जहां पर भगवान राम लक्ष्मण सीता और श्री कहते उनको गुरु जी की जो पदांकित स्थान में गुरुपाद पद्म वहीं पर जन्म ग्रहण किए। बोले जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होता है पैसा। गुरुदेव क्या काम करते, पुलिस ऑफिसर थे। आपको पता होगा अगर भारत में कोई पुलिस नहीं चाहने पर भी इतने रिश्वत मिलता है, अब नहीं चाहने पर भी बस पैसा ही पैसा आता है। और गुरुदेव जहाँ पर खेती करते थे हम वहां पर गए, गुरुदेव जहाँ पर खेती करते थे गुरुदेव का जमीन जगह भी बहुत है, हैं? इस पार से आग तक भी नहीं जाएगा, इतने गुरुदेव की जमीन। एक खिड़की बंद कर दो, उसका एक खिड़की बंद कर। इसलिए आप लोगों ने कौन कौन गुरुदेव को देखे, हाथ उठाओ जोर से, देखे है ना। जब मैं जगन्नाथपुरी में था, मेरे बचपन से ही हृदय में भाव आता था मैं भी हरि कथा सीखूं, मैं भी हरि कथा सीखूं। पर हमने पता लगाया ऐसे कौन व्यक्ति जो कि सबको हरि कथा सिखाते हैं। फिर पता लगाते लगाते पता चला कि तो मथुरा में एक श्री नारायण महाराज जी है, ये बच्चों को बड़े स्नेह करके ये सबको हरि कथा सिखाते। जब मेरे मन में इच्छा हुई मैं थोड़ा हरि कथा सीखूं, तब बोले किसने, नारायण गोस्वामी महाराज बड़े सुंदर ये हरि कथा सिखाते हैं बच्चों को। ये कथा सुन करके ही मैंने मथुरा में गुरु जी को पास में जगन्नाथपुरी से मैंने गुरु जी को पास में आया। सचमुच से जब मथुरा में आया कथा रूपी मंदाकिनी धारा जैसे वहां प्रवाहित हो रही है, इतने जैसे गंगा जैसे धारा प्रवाहित हो रही है। किसी गौड़ी मठ में देखा दिन में एक बार कथा होती है, वहां पर आकर के देखा मठ में तो तीन तीन बार कथा होती थी। इसी समय में एक बार कथा होगी, फिर कथा होगी शाम को 4 बजे से, फिर कथा होगी, फिर आरती के बाद में फिर कथा होगी। फिर जब फिर देखा कोई गुरुवर्ग का तिथि आ जाए ना, गुरुदेव स्वयं दिन में चार चार बार गुरुदेव कथा करते थे, स्वयं गुरुदेव एक बार सवेरे कथा करते थे जैसे इसी समय में, फिर 11 बजे फिर बैठते थे जब पुष्पांजलि दे किसी गुरुवर्गों का, उसके बाद में फिर 4 बजे बैठते थे, फिर आरती को बाद में फिर गुरुदेव बैठते थे। वहां पर हमने देखा एक कथा रूपी नदी बह रही है। अगर गुरुदेव जैसे आप उदाहरण देते हैं गुरुदेव को जैसे एक स्पर्श मणि, जैसे स्पर्श मणि में किसी लोहे को स्पर्श कराओ ना वो क्या कर देता है, वो उसको सोना बना देती है। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं किया गुरुदेव ने, इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, स्पर्श मणि लोहे को तो सोना बनाती लेकिन उसको पारस मणि नहीं बनाती है। लेकिन गुरुदेव का श्री चरण में जो आए ना, गुरुदेव तो स्पर्श मणि थे, इसलिए गुरुदेव ने सबको उन्होंने स्पर्श मणि बना दिया गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव को किसने बोले विदेश में, बोले देखो नारायण गोस्वामी महाराज आप तो इतने लोगों को भक्त बना करके जा रहे हो,
फिर आपको बाद में इनको कौन रक्षा करेगा? गुरुदेव खुद बोलते हैं, बोले मैं तो एक नारायण जा रहा हूँ और मेरे पीछे मैं अनंत नारायण को भी छोड़ करके जा रहा हूँ, अनंत नारायण को मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। और सचमुच से आप देखोगे दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में, जैसे हम कभी रूप गोस्वामी का तिथि में गुरुदेव का इच्छा थी क्या थी, सब जितने बड़े बड़े विद्वान को बुलाओ, बुला करके रूप गोस्वामी को करे सबके सब बोले। मैं कोशिश करता था गौड़ीय मठ से है जो विद्वान लोग है आए और सिर्फ रूप गोस्वामी को पर बोले, हमको दो चार भी ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है, दो चार को ढूंढना। लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा से, आप लोग सब जानते हो गुरु जी की कृपा से हमारी मंदिर में इतने भक्त लोग है, इतने मंदिर में भक्त लोग है, एक से एक बढ़ करके हरि कथा बोलने वाले। उनकी सन्यासी की बात तो छोड़ दो, गुरुदेव की जो सन्यासी का बात छोड़ दो, जो धुरंधर है एक से एक गुरुदेव के सन्यासी है, हैं गुरुदेव की कितने सन्यासी शिष्य, गुरुदेव पता नहीं कितने सन्यासी शिष्य को दिया, सन्यासी तो है ही है, उसको बाद में जो ब्रह्मचारी है ना, एक से एक धुरंधर ब्रह्मचारी है, जो इतने सुंदर हरि कथा बोलने वाले बड़े बड़े सन्यासी भी जिनको सामने कुछ भी नहीं, इतने बड़े बड़े उस समय ब्रह्मचारी इतने अच्छे थे हरि कथा बोलते। ब्रह्मचारी की बात छोड़ दो, गुरुदेव के चरण में जो गृहस्थ लोग आए ना, ये गृहस्थ लोग भी एक से एक धुरंधर श्री गृहस्थ लोग, बोले गृहस्थ में जो माताएं भी देखो एक से एक गुरुदेव के शिष्य में माताएं भी बड़े धुरंधर है, जो सुंदर से सुंदर हरिकथा बोलने वाले, इतने माताएं हैं जो सुंदर सुंदर हरिकथा बोलते हैं, उनकी भी कथा सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। और गुरुदेव का शिष्य तो है ही है, लेकिन गुरुदेव का जो शिष्य के जो शिष्य लोग वो भी लोग भी बड़े धुरंधर है, इसलिए भैया गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर किसी संस्था में सबसे ज्यादा सुंदर कोई हरिकथा बोलने वाला है ना, अब देखो कि हमारे महाराज को भक्तों को जितने सुंदर हरिकथा बोलते हो, कहीं भी इतने सुंदर कथा सुनाने वाले जगत में कोई है ही नहीं। प्लस भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अरे कोई जय कोई है बोलता हूँ, जोर से बोलो, प्लस भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। महामहोत्सव की जय। इसलिए कहते जो कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, क्या गुरुदेव जब हम मथुरा में आए, जब देखा गुरुदेव जो कथा बोलते हुए एक विषय के ऊपर में है, एक विषय के ऊपर में गुरुदेव इतने डिटेल से रूप में डिस्कशन करते थे जिसको सुनकर हम आश्चर्य हो जाते थे। इसलिए इनके अंदर में इतने प्रभाव था। उन्होंने क्या किए, दूसरे गौड़ीय मठ से हैं, दूसरे गौड़ीय मठ से भी भक्त लोग उनके पास में कथा सुनने के लिए आते थे, इस्कॉन से भी आते थे। इसलिए हम इनको उदाहरण देते थे, जैसे श्री जीव गोस्वामी का स्थान हम इनको देते थे, जैसे जीव गोस्वामी को पास में विशेष करके तीन व्यक्ति इनको पास शिक्षा में शिक्षित होकर जगत में प्रचार किए, नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास। लेकिन इनका कोई भी शिष्य नहीं थे, ये कोई भी इनका शिष्य नहीं थे, ये सबके सब शिक्षा गुरु, सबके सब शिक्षा शिष्य है। लेकिन जैसे जीव गोस्वामी उन्होंने नहीं सोचते थे ये मेरे शिष्य, सभी की बराबर रूप में सभी को उन्होंने ज्ञान प्रदान की। और नरोत्तम दास ठाकुर ने मणिपुर को और श्यामानंद प्रभु जी हमारे उड़ीसा को और श्रीनिवास बंगाल, ये तीनों दिशाओं में उन्होंने भक्ति के प्रचार प्रवाह को उन्होंने प्रचार प्रसारित किया। उसी तरह गुरुदेव का भी देखो, इनकी भी जो शिष्य है ये तो है ही है, लेकिन इनका जो शिक्षा शिष्य है ना, ये लोग अक्सर करके देखो दुनिया में इनके अंदर में हम बहुत नजदीक में रह करके देखा, अक्सर करके जो लड़ाई पढ़ाई होती है ना, ये मेरे शिष्य, उसका शिष्य, वो उसका शिष्य, उसका शिष्य है। लेकिन गुरु जी के अंदर में ये भावना थी नहीं, कहते सुनी चाहिए सुपा के जब पंडिता समदर्शिना, जो पंडित होते हैं वो सभी को बराबर देखते हैं, हैं? जो उत्तम महाभागवत क्या देखते हैं, सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत भावात्मन, जो उत्तम महाभागवत है सभी का हृदय में भगवत दर्शन करते हैं। ये अयम निज परवेति गणना लघु चतसाम, जिसका हृदय छोटा हृदय ना, ये मेरे ये तेरे ये लोग कहते हैं। लेकिन उदार चरित्र बना तो जिसका उदार चरित्र है वो सबको वसुधा को अपना
ये परिवार मानते ही गुरु जी को पास में हम रह करके चीज को देखा अक्सर करके गुरु जी को जो उनका शिक्षा में शिक्षित होकर प्रचार कर रहे हैं उनका जितने शिष्य है ना वो दूसरों को शिष्य जाता ही है। जैसे मेरे को देख लो मैं भी इनके महिमा को सुन करके इनको पास में आए। हमारे श्री सिद्धार्थ महाराज देखो हमारे श्री माधव प्रिय देखो भक्ति प्रमोद श्री पुरी गोस्वामी महाराज को मधुसूदन महाराज भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज को पद्मना महाराज नेमी महाराज बैखनास महाराज श्रौती महाराज ये सब कहाँ से आए। ये सब के सब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्य गौर गोविंद महाराज का शिष्य ये दूसरे दूसरे शिष्य उन्होंने आए कहाँ पर उन्होंने श्री गुरु जी के चरण में आए और गुरु जी के चरण में आकर इन्होंने समस्त भक्ति शास्त्र को उन्होंने शिक्षा में शिक्षित होकर के अभी सारा दुनिया में ये हरि भक्ति को ये प्रचार करते हैं। श्री गुरुदेव हरि भक्ति को प्रचार करते हैं इसलिए दूसरे श्री जीव गोस्वामी और इनके अंदर में जो जीव गोस्वामी को हमारे संप्रदाय में सिद्धांत का आचार्य इनको बताया है। ये श्री जीव गोस्वामी कभी सिद्धांत सलीले है भाषा चाहे तर्क न जले इसलिए समस्त सिद्धांत का आचार्य श्री जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बताया ये रसाचार्य है। लेकिन ये समझो श्री गुरु जी के अंदर में ये रसाचार्य और श्री सिद्धांत का आचार्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों का जैसे समावेश श्री गुरु जी के अंदर में ऐसे कुछ कुछ वक्ता है आप लोग सुनोगे इतने सिद्धांत जो दिमाग में घुसता नहीं। अरे कोई बोलता है रस ही रस है लेकिन गुरु जी की कथा में आप लोग अभी तो आता है यूट्यूब में आता है ना हाँ आप लोग रोज रोज सुनना गुरुदेव की कथा आती है रोज रोज कथा बैठ बैठ कर आप सुन सकते हो हैं बैठ बैठ कर सुन सकते हो। लेकिन इनकी कथा में रस भी है और इनकी कथा में सिद्धांत भी है दोनों चीज समावेश श्री गुरु जी कथा में। एक बार जो गुरु जी कथा सुने ना है एक बार जो गुरु जी के पास में कथा सुने भैया और किसकी कथा हम लोग को इतने इंटरेस्ट नहीं आता है इतने रस नहीं है क्यों गुरु जी की कथा में इतने रस है। इस कौन से कुछ भक्त लोग आए थे वो बोल रहे थे आपका गुरु जी की कथा में सचमुच से बड़ा रस है सिद्धार्थ में भी है और रस है हम भी रोज रोज आपका गुरु जी कथा को हम भी रोज रोज आपका गुरु जी कथा को हम श्रवण करते हैं इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो श्री गुरुपाद पद्म को श्री चरण में हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए गुरुदेव भी एक बार खुद बोले जो व्यक्ति मेरे पास में आए हैं जब तक इनको उधार करके मैं भगवान के चरण में नहीं पहुंचा देता हूं तब तक मैं बारंबार इस जगत में आता रहूंगा जब तक मैं उसको अपना भगवत धाम में स्थापन नहीं कर दूं। इसलिए वृंदावन में जब गुरुदेव रहते थे उस समय क्या हुआ स्वयं सेवा कुंज का जो पुजारी वो स्वयं आकर के गुरुदेव को प्रसाद देने के लिए आए प्रसाद जब देने के लिए आए स्वयं वो पुजारी कहता है मेरे को राधा रानी ने भले जो नारायण गोस्वामी महाराज ये मंजरी है ये रमन मंजरी है अब जा करके मेरे प्रसाद को मेरी सखी को दे करके आओ। इसलिए देखो स्वयं राधा रानी जिसको स्वयं स्थापन करती है कौन है ये मेरी मंजरी और ये मेरी सखी है। इसलिए इनके अंदर में जो ज्ञान जो सुरत मतलब तो जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान है इनके अंदर में हैं। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत और स्त्री स्त्री मतलब सुंदरता हैं। आप लोग देखे हो गुरुदेव को जो देखे मैं जो पहला बार मथुरा में आये ना वो ठंडा का समय था जब गुरुदेव को देखने आए पहला बार देख कर मतलब ये अंग्रेजी ना कि भारतीय है मेरे कैसे लगा जैसे ये कोई भारतीय नहीं कोई अंग्रेजी है। अब देख लो गुरुदेव को और इसलिए गुरुदेव ऐसे लगते थे जैसे वो अंग्रेज जैसे इतने गौरव भरने के थे गुरुदेव हैं इतने गौरव भरने के थे गुरुदेव। इसलिए मैं सोचता था क्या कोई अंग्रेजी है क्या और उनके जो आंखों का पुतला देखो ना नीला रंग लेकिन प्राय करके लोगों का आंख का पुतला नीला रंग नहीं होता है काली होती है लेकिन इनके आंख के जो पुतला है ना वो नीला रंग इनके आंख के पुतला है। इसलिए गुरुदेव देखने में इतने सुंदर है श्री गुरुपाद पद्म इसलिए इनके अंदर में ये सारे गुण विद्यमान श्री गुरु जी के अंदर में लेकिन रहते हुए भी जो प्रभु की भक्ति करते हैं समझना ये ठाकुर जी की बड़ी बड़ी कृपा ये ठाकुर का निज जन है राधा रानी की निज जन है महाप्रभु की निज जन ये है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं श्री महाराज जी।
इसलिए इनकी अनंत गुण है, हाँ, इनके अनंत गुण है। हम कोशिश करेंगे, हमारे यहाँ पर भक्त लोग है, अगर मैं बोलूंगा तो पूरा ही बोलते रहूंगा। गुरुदेव की कथा मेरे को बहुत बहुत पता है गुरुदेव की, क्यों गुरुदेव को मैंने कुछ दिन पास में रहा, गुरु जी की सेवा किया है, इनके साधन भजन को मैं बहुत नजदीक में रहते हुए मैं गुरुदेव को तेल लगाया करता था। हम जो देख बोलते हैं ना, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसानी कृतो निद्रा आहार विहार विजितो चात्यंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृते न मधुरमान सन्मितो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। ये छह गोस्वामी कैसे भजन करते थे, ये छह गोस्वामी इनका भजन पद्धति ये श्लोक में बताया, इनका भजन कैसे। गुरुदेव स्वयं एक दिन मेरे को बोले, और कुछ भक्त लोग थे, बोले गोस्वामियों ने जैसे जैसे भजन किया है मैं भी ठीक वैसे ही भजन करने के लिए कोशिश किया। जहाँ पर गिरधारी गौड़ी मठ है, अब लोग जो देखे होंगे वहां पर एक दो मंजिल एक मकान थी, वहां पर गुरुदेव वहीं पर ही बैठ कर भजन करते थे और वहीं पर रह करके रोज गिरिराज की परिक्रमा करना, गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करना वहीं पर बैठ करके, और वहीं पर बैठ करके दो दो लाख हरिनाम करना, और गोस्वामी जैसे विरह पूर्वक संख्या पूर्वक नाम उनकी गान उनकी नति हाँ उनकी स्तुति तब गुरुदेव कहते थे पूरा गोस्वामी जैसे। मैंने कोशिश किया भगवान की भजन करने के लिए। इसलिए जो केवल गोस्वामी, छह गोस्वामी, कितने गोस्वामी हुए, कौन कौन, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी हुए। लेकिन इसी भक्ति विनोद ठाकुर को भी सप्तम गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने ये छह गोस्वामी को जो उपदेश दिया था, अगर देखोगे ये छह गोस्वामियों को जो उपदेश दिया है वो सारे काम श्री भक्ति विनोद ठाकुर किए। लेकिन अगर हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज को अगर हम देखोगे तो छह गोस्वामी ने जो जो काम किया, हमारे महाराज भी वही वही काम किया है। क्या काम, महाप्रभु का चार उपदेश था किसको, गोस्वामी को। पहला था लुप्त तीर्थ, क्या बाकी नहीं चल रहा, क्यों चल नहीं रहा, क्या अभी तो चल रहा था, चल रहा था ना अभी, कौन सा, हाँ वही पर कोई बैठ कर गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हो, देखो आवाज आ रही है अभी, सर दूर में बैठो, तुम हिला रहे हो पास में बैठ रहे, आवाज आ रही है अभी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। और ज्यादा गड़बड़ मत करो, हरे कृष्ण। हाँ देखो कैसे उन्होंने, जैसे उन्होंने छह गोस्वामी जो कहते हैं गुरुदेव, कैसे उन्होंने पूरा, कैसे महाप्रभु का, अगर हम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज को अगर इनको हैं, अगर इनको सप्तम गोस्वामी बताया जाए ना, उसमें कोई अतिक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे गोस्वामी का काम किया है। पहला काम था लुप्त तीर्थ उद्धार करना है, हमारे महाराज जी देखो सारे लुप्त तीर्थ उद्धार किए हैं, जो उद्धव क्यारी है ना, उद्धव क्यारी जो वहां पर चबूतरा बना हुआ, गुरुदेव ने पैसा दिया है, वहां पर जो पेड़ पौधा लगे ना, गुरुदेव ने पैसा दिया है, हाँ वहाँ के जो पुजारी को, बोले क्योंकि वो जो स्थान है, गुरुदेव कहते थे ये स्थान अत्यंत अत्यंत उन्नत स्थान, जहाँ पर उद्धव जी आकर के राधा रानी की भाव, ब्रज गोपियों की भाव को देख करके, जहाँ पर उनकी धूल लता गुलमल लता औषध बनने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, इसलिए ये स्थान हमारी गौड़ीय संप्रदाय के लिए अत्यंत उन्नत स्थान है वहां पर। और जो रूप गोस्वामी का भजन स्थल कहाँ पर, टेर कदम गुरुदेव, वहां पर जो गुरुदेव वहां पर जब भक्त लोग जाते थे, बोले सबके सब यहाँ डोनेशन दो, गुरुदेव भी वहां पर पैसा दिए है, इसको अच्छे तरह से सुरक्षित रखो, क्योंकि ये हमारी संप्रदाय श्री रूपानुग जो धारा है, ये स्थान रूप गोस्वामी का भजन स्थली, वहां पर भी उन्होंने प्रकाशित करने के लिए दिया है। और जो भांडेरी भट्ट गए, भांडेरी भट्ट की कौन कौन गए, भांडेरी भट्ट वहां पर जो चबूतरा बनी हुई है वो गुरुदेव ने ही वो पैसा देकर बनवाया। और जो जाबट है, जाबट जो कि राधा रानी की, जहाँ पर राधा रानी की ससुर घर है, राधा रानी की जहाँ पर सब गोपियां वहीं पर जन्म ग्रहण की, शादी होकर गए वहीं पर,
गुरुदेव वहां स्थान पर भी जो देख रहे हो ना संस्कार, गुरुदेव ने पैसा दिया है। और हमारे श्री गिरिराज गोवर्धन में जो ब्रह्म कुंड है वो लुप्त हो गया था, अभी जो बना हुआ ना ब्रह्म कुंड कहाँ पर है, जहाँ पर कृष्ण गिरिराज उठाए थे ना, वहां पर जो क्या मंदिर हरिदेव मंदिर, उसको नीचे जो कुंड है गुरुदेव तो ने पैसा दिया है पैसा दिया। और जो हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ किसने प्रकाशित किया है, वृंदा देवी को विशेष करके कौन प्रकाशित किया, गुरुदेव ने। और श्री गिरधारी गौड़ीय मठ को है, और नवद्वीप में जो महाप्रभु जो आदेश था लुप्त तीर्थ को उद्धार करना और जो लुप्त विग्रह को प्रकाशित करना, हमारे गुरुदेव काम किए हैं। और विशेष करके जो भक्ति ग्रंथों को रचना करना, गुरुदेव का तो भक्ति ग्रंथ रचना में गुरुदेव की इतना देन है, विशेष करके हिंदी भाषियों के लिए अभी तक जितने ग्रंथ प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हुए हिंदी भाषा में, अगर पूर्ण रूप में अगर किसने हिंदी भाषियों के लिए जो ग्रंथ प्रकाशित अगर किसने किया, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ रूप में होगा ना, ये हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, इनके जैसे इतने ग्रंथ किसने प्रकाशित गुरुदेव ने नहीं किए। इसलिए हम इनको कहते हैं तीन मृदंग है, कितना मृदंग है, एक है मृदंग, दूसरा है बृहत मृदंग और एक होता है जीवंत मृदंग। ये तीन मृदंग के ऊपर में अगर पूर्ण रूप में किसकी प्रकाश है, हमारे महाराज का है, हैं? इसलिए मैं जब मथुरा में पहला आया, जब कार्तिक महीना में जैसे नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम हम दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में सुना, वो रोज रोज पढ़ते हैं ऐसे जैसे नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुदन, लेकिन मैंने जब मथुरा में आया ना, गुरुदेव का जो भजन गला नहीं, जैसे कोयले जैसे कुहकती है ना, है कोयले जैसे कुहकती है, गुरुदेव के गला को सुने हो कीर्तन गुरुदेव का। इसलिए जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में कोई आते थे, बोलते थे हम भजन सीखना चाहते, बोले जाओ, बोले गौरव नारायण के पास में जाओ, ये गौरव नारायण के पास में भजन सीखो, क्योंकि गुरुदेव बड़े सुंदर भजन गाते थे और गुरुदेव बड़े सुंदर रसोई भी बनाना जानते थे। गुरुदेव खुद बोलते थे, जब अपना गुरु जी को मैं सेवा करता था, गुरु जी को सेवा करता था, अगर कोई सब्जी बनाता था ना, गुरुदेव खा करके समझ जाते थे इसको गौरव नारायण बनाया, ये नारायण महाराज ने बनाया सब्जी, इतने सुंदर गुरुदेव टेस्ट सब्जी भी गुरुदेव बनाया करते थे। इसलिए गुरुदेव इसलिए कहते थे गुरुपाद पद्म, इसलिए बड़ी सुंदर आप लोग हम गाते हैं ना, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम राजमानम या सुधा वियालुका लाभमानम परापृष्टमाता तत्द्रुतगोव्या नमामि स्वरम आकर के सुना गुरुदेव कितने सुंदर, क्या फिर खराब हो गया ना, मैंने इसको बोलता हूं तो सब दूर में बैठो, इसलिए थोड़ी सी हिल जाने पर ना गड़बड़ी हो जाता है। अभी आवाज आ रही है ना, अब थोड़ी सी दूर में बैठो, उसको पास में मत बैठा करो, वो हिलने पर ही गड़बड़ करता है। इसलिए जब मैंने मथुरा में आया, गुरुदेव इतने सुंदर भजन गाते थे और देखा जो नमामि स्वरम जो ये इसको ना श्लोक को गुरुदेव एक महीना तक गुरुदेव व्याख्या करते थे, एक एक शब्दों को इतने पूरा वेद पुराण, जैसे गुरुदेव ने जो दामोदर अष्टक जो गुरुदेव लिखे आप पढ़कर देख लेना, कहां से गुरुदेव ने श्लोक को कोटेशन करके उस श्लोक को गुरुदेव व्याख्या करते थे। कहते ये एक मृदंग जो बड़े सुंदर गाते थे हैं, दूसरा मृदंग कहते ये बृहत मृदंग, कहते ये बृहत मृदंग क्या बोले ग्रंथ। इसलिए गुरुदेव आपको पता है गुरुदेव कितने ग्रंथ, विशेष कर जो जैव धर्म गुरुदेव बोलते थे, मैंने 60 बार पढ़ करके मैंने ये जैव धर्म ग्रंथ को मैंने प्रकाशित किया। अब देखना गुरुदेव को कोई भी कोई प्रश्न करते थे, अब देखना प्रश्न कर एकदम जैसे हमें कोई प्रश्न करना कोई कठिन प्रश्न, हम सोचने लग जाते भैया क्या उत्तर दें क्या उत्तर देंगे, लेकिन हम गुरुदेव को देखा बस कोई प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर। तो गुरुदेव कहते थे मैं इतने उपस्थित बुद्धि मेरे को कहां से आई, बोले जैव धर्म से।
ये जैव धर्म पढ़ करके ही मैंने ये सब आंसर में देता हूँ ऐसे। और कितने ग्रंथों का आपको पता होगा, भजन रहस्य, शिक्षा अष्टकम, उपदेशामृतम, मनसिक्ख्या, और जितने रस ग्रंथ को गुरुदेव रासलीला के ऊपर में उन्होंने, भगवत गीता को उन्होंने, जो टीका के ऊपर में गुरुदेव, कितने ग्रंथ गुरुदेव ने हिंदी भाषा में अक्सर करके, गौड़ीय जो वैष्णव ग्रंथ है अक्सर करके देखोगे हमारे महाराज ने ही ये ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए और जो जीवंत मृदंग रूप में गुरुदेव तो संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मे मर नाम, सुखी है या लोक मर गाय वेग कीर्ति। इसलिए जो महाप्रभु का जो भविष्यवाणी, अगर इसको महाराज ने क्या किया, संपूर्ण विश्व में जाकर के करके नहीं, गुरुदेव ने संपूर्ण विश्व 15-20 बार संपूर्ण विश्व को गुरुदेव ने परिक्रमा लगाई। मुझे लगता है इसको पहले बहुत कम आचार्य होंगे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो संपूर्ण विश्व को इतने बार कोई परिक्रमा किया होगा, प्रचार करने के लिए गए होंगे महाराज ने जितना किया है। इसलिए गुरुदेव की हर चीज में गुरुदेव की इतने महिमा गुरुदेव की गाते रहो तो कभी खत्म नहीं होगी, गुरुदेव की इतने महिमा श्री गुरुपाद पद्म की। इसलिए विशेषकर गुरुदेव ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया, वो ग्रंथ को आप लोग पढ़ना, वो प्रबंध पंचकम पढ़े हो, कोई पढ़े ही नहीं। इसलिए गुरुदेव इतने कष्ट करके ग्रंथ को प्रकाशित किया, कम से कम पढ़ो तो। गुरुदेव जब ग्रंथ प्रकाशित कर लास्ट तक कर रहे थे ना, गुरुदेव का स्पंडलाइजेशन हो गया था यहाँ पर, क्योंकि गुरुदेव लिखते लिखते उसको प्रूफ रीडिंग करते करते लास्ट में मैंने देखा गुरुदेव एकदम पता नहीं कितने राहत में गुरुदेव उठ जाते थे, उठ करके उससे 25-30 लोग ग्रंथ में लगे हुए, एक गुरुदेव लास्ट में उसको प्रूफ रीडिंग करके उसको दे देते। लास्ट में जब गुरुदेव कैसे बैठा नहीं गया देख करके हमने देखा, ऐसे करके सामने वहां पर टेबल में यहाँ पर सामने रख करके ग्रंथ को, तभी लास्ट तक वो प्रूफ गुरुदेव लास्ट में प्रूफ रीडिंग किया। और इतने कष्ट करके गुरुदेव ने ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित करके गए, एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है प्रबंध पंचकम, ये ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में कुछ सहजिया बाबा जी, कुछ अपर संप्रदाय का लोग हमारी संप्रदाय को ईर्षा करते हुए कटाक्ष करते हैं, कहते भैया ये लाल कपड़ा कहाँ से ले आए, गोस्वामी को तो लाल कपड़ा था ही नहीं, और इनका जो गुरु परंपरा है इनका गुरु परंपरा ठीक है ही नहीं, इनका गुरु परंपरा है, इसलिए फिर ये सन्यासी कहाँ से ले आए, त्रिदंड सन्यासी कहाँ लाए। कुछ लोगों ने, कुछ बाबा जी, कुछ सहजिया लोग हमारे संप्रदाय का प्रभाव को देखकर कटाक्ष करते थे, गुरुदेव इसके ऊपर में ग्रंथ लिखे प्रबंध पंचकम, 5 उन्होंने प्रबंध उसमें दिया, क्या गुरुदेव की खंडन किया। जब ये सहजिया बाबा जी लोग पढ़े ना इसको, उनका तो खिलबिली मच गया, गुरुदेव डायरेक्ट उन्होंने नाम को लेकर, गुरुदेव ने जो जो विरोध करते थे ग्रंथ उल्टा पुल्टा किए थे उनको नाम को डायरेक्ट गुरुदेव बोल दिए ग्रंथ को, इनके अंदर में खिलबिली मच गई है, खिलबिली मच गई। इन लोगों ने बहुत बड़े, ये सहजिया बाबा जी लोगों ने बहुत बड़ा की मीटिंग बुलाए, ये नारायण महाराज हमारे ऊपर कैसे कटाक्ष किया, यहाँ तक नाम को भी ले लिया, इसने ऐसे किया मीटिंग किया। लेकिन गुरुदेव ने जो अकाट का जुक्ति उन्होंने दिया था है, उन्होंने अकाट का जो जुक्ति दिया, शास्त्र से जो श्लोक को उद्धृत करके दिया, बोले भैया उन्होंने तो अपना मन से तो कोई बात बताया नहीं, उन्होंने तो सारे शास्त्र सिद्धांत को बताया, उन्होंने सारे शास्त्र का सिद्धांत दिया, श्लोक कोटेशन दे करके उन्होंने बताया, अभी उनकी बात को खंडन कैसे करोगे। अगर शास्त्र से कोई बाहर होता तो फिर आप खंडन कर सकते अगर वो मन मर्जी, लेकिन जितने बाबा जी लोग जितने उल्टा पुल्टा बात कहते हैं वो लोग तो अपना मन गणत बात को बता रहे हैं, ये लाल कपड़ा कहाँ से आए, बोले चैतन्य महाप्रभु का कौन सा कपड़ा था, गौर की वस्त्र था ना, चार जो संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक, इनका सारे कपड़ा कैसे, महाप्रभु का समय में 9 सन्यासी उद्धृत किया वरना सबके सब लाल कपड़े त्रिदंड सन्यासी थे, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी सब त्रिदंड सन्यासी थे सबके सब। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय का जो मूल वो स्वयं त्रिदंड सन्यासी होते, उन्होंने और ये जो गौरी की वस्त्र जो उन्होंने कटाक्ष किया है, कहते वेदों में इसका बताया गया, क्योंकि ये वस्त्र ऐसे एक वस्त्र है ना, अगर ये वस्त्र धारण करते हुए अगर गलत काम करने के लिए जाओगे ना, वस्त्र पहले तुमको टोके गए क्या कर रहे हो,
लेकिन ये बाबा जी लोग कुछ साहजिया लोग वो सफेद कपड़ा और बाबा जी माता जी को साथ में रहते हैं, कहते हम बड़े बड़े बाबा जी लेकिन माता जी को साथ में क्यों, सफेद कपड़ा है। इसलिए संन्यास लोग ये कपड़े को धारण करते हैं। अगर हम कोई गलत काम करने के लिए जाए तो पहले वस्त्र ही तुमको टोकेगा, पहले तुम कहां पर जा रहे हो। और हमारी गुरु परंपरा को उन्होंने कटाक्ष किया है, क्योंकि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गुरुदेव ने बताया दो परंपरा है, एक शिष्य परंपरा और एक होता है भागवत परंपरा। देखो ये चीज को समझो, शिष्य परंपरा भागवत परंपरा क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर, अच्छे तरह समझो, कोई एक डॉक्टर, लेकिन उसका बेटा हुआ, लेकिन उसको बेटा डॉक्टरी नहीं किया, अब बताओ उसको डॉक्टर पता जाएगी नहीं, क्यों, उसका बेटा है ना। इसलिए कभी कभी शिष्य परंपरा मतलब होता है उससे उन्होंने शिष्य लिया, उससे उन्होंने दीक्षा लिया, उनसे दीक्षा। जैसे हमारे श्री भक्ति प्रताप नारायण गोस्वामी महाराज, इनका कोई शिष्य बने, नामधारी शिष्य बने, लेकिन कोई काम नहीं, हरिनाम नहीं करते, भजन नहीं करते, भक्ति से कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने मंत्र लिया, उनको क्या शिष्य बताया जाएगा, नहीं। वो मंत्र लेने पर वो शिष्य है ही नहीं, क्यों, गुरु जी का आदर्श को फॉलो नहीं करते, गुरु जी का आदर्श को फॉलो नहीं करते, भजन नहीं करते, वो शिष्य है ही नहीं, वो केवल ऊपर से नाम, शिष्यधारी नाम है, वो कोई काम नहीं है, काम नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने देखा कभी कभी ये शिष्य परंपरा में गलती है, शिष्य परंपरा में क्या हो रहा है, कुछ गलत चीजें आ रही हैं। कोई शिष्य गुरुदेव थे, कोई महान पुरुष, शिष्य ग्रहण किया, लेकिन कोई शिष्य नाम गाय, कोई भजन, भजन से कोई मतलब नहीं, वो शिष्य है नहीं है, वो शिष्य पूर्व है। इसलिए प्रभुपाद ने उसको चीज को नहीं लिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे एक डॉक्टर, अगर दूसरे व्यक्ति कोई डॉक्टर करता है ना, डॉक्टर ही करता है, उसको डॉक्टर बताया जाएगा। उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने उसने शिष्य परंपरा का तो लिया है, विशेष करके उन्होंने भाव परंपरा को भी ग्रहण किया है, इसलिए उन्होंने भक्ति परंपरा को भी उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने ये शिष्य परंपरा को ग्रहण नहीं करते हुए, उसको भी ग्रहण किया प्रभुपाद ने, लेकिन उसको साथ साथ में जो भाव परंपरा है, जो साधना परंपरा है, भक्ति परंपरा को भी उन्होंने ग्रहण किया प्रभुपाद ने ये सब चीज। इसलिए गुरुदेव ने जब ये ग्रंथ प्रकाशित किया, अद्भुत ग्रंथ उन्होंने गुरुदेव ने प्रकाशित किया है ग्रंथ को, इसलिए गुरुदेव की अनंत महिमा है। मैं हमें चाहता हूँ यहाँ पर गुरुदेव का भी कुछ कुछ शिष्य लोग जीत, इधर आ जाओ, आप कुछ बोलोगे, आप दो दो मिनट बोलना, आ जाओ गुरुदेव चरण पुष्पा दे देना, प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे, आप आ जाओ पहले, पहले आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग थोड़ी थोड़ी गुरु जी के चरण में पुष्पांजलि दो, क्योंकि गुरुदेव कहते थे हैं, जब उनको बाहर में हम कुछ बताते हैं, मानो उनके चरण में हम के फूल प्रदान किया है। ओम अज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय सब नमो नमः। महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम, आप सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। मैं तो बहुत दिन बाद आया हूँ, एक तो मठ कोरोना में कुछ ज्यादा ही डर गया अभी मास्क लगा के बैठा हुआ था। तो गुरुदेव की आजकल आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं 2021 सेंटिनियल फेसबुक पे पेज है, तो उसमें डेली छोटी छोटी गुरुजी की क्लिपिंग है, ऐसे ही एक विजय प्रभु जी ने भी बनाया हुआ है भक्ति रस बिंदु व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी वो क्लिपिंग आती है। तो अगर आप उस दो दो तीन तीन मिनट की हर क्लिपिंग को देखोगे तो गुरुदेव एक एक बात इतनी साधारण भाषा में हम लोगों को समझा रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर बीमारी पकड़ता है, बीमारी का इलाज बताता है और साथ में परहेज बताता है। हर क्लिपिंग में गुरुजी की अगर आप देखेंगे वो तरीका बता रहे हैं, इलाज बता रहे हैं, ट्रीटमेंट और साथ में क्या नहीं करना है वो भी बता रहे हैं। तो दो तीन क्लिपिंग जो अभी हाल फिलहाल की है वो मेरे दिमाग में है, तो उन्हीं में से मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो एक है कि गुरुदेव चाहते क्या है, तो गुरुदेव चाहते ये है कि हम अपना जो मन है वो उनको दें। और हमारे मन में क्या भरा हुआ है,
काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य है ना, यही सब भरा हुआ है। तो गुरुदेव क्या चाह रहे हैं? आप में से कोई भी है जो खराब चीज चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन गुरुदेव क्या चाह रहे हैं कि आप ये जो खराब चीज है ये मुझे दे दो। और ये क्या करेंगे वो खुद कह रहे हैं कि मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा, मैं इसे अपने गुरुजी के पास फिर से चढ़ा दूंगा और वो इसको बिल्कुल क्लीन करके साफ करके इसमें राधा रानी का प्रेम डालकर वापस आपके हृदय में स्थापित करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसी गुरु कृपा की उपलब्धि हो जाए तब समझो कि आपका भजन सफल है, और ना अगर आपने मन में कुछ रखा गुरुदेव के लिए उनके सामने तो हाँ कहा और बाद में नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं। तो कुछ भी वो अपने पास नहीं रखना चाहते हैं और वो आगे देना चाहते हैं। ऐसी दूसरी क्लिपिंग है उनकी, गुरु वो कहते हैं हाँ इसी क्लिपिंग में वो भी कहते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे गुरुदेव की सेवा से मैंने प्राप्त किया है। गुरु सेवा का जो सिद्धांत है वो समझाना चाह रहे हैं हम लोगों को कि हर समय गुरुदेव की सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी दूसरी क्लिपिंग में वो बता रहे हैं गुरु मंत्र के बारे में, इसमें पूर्ण रूप से निष्ठा होनी चाहिए। अभी महाराज जी ने भी बताया ना कि कैसे हमको हरि नाम में और उनके दिए हुए मंत्र में निष्ठा होनी चाहिए और रोज करना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर निष्ठा नहीं है तो बेकार है। अगर आपने सोचा कि गुरुजी ने तो मुझे मातम में ही नहीं बताया इसका, या कब करना है कैसे करना है किस दिशा में बैठ के करना है कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर ये मंत्र में आपकी पूर्ण निष्ठा है तो ये सब सिद्ध कर देगा। सर्व गुरुदेव ने वर्ड यूज किया हाँ, उन्होंने कहा कि ये स्वतः प्रकाशित हो जाए कर देगा, स्वयं प्रकाशित कर देगा। तो ऐसी निष्ठा हमारी होनी चाहिए गुरुदेव के मंत्र में। ऐसे ही बहुत है, मैं दो ही मिनट की वरना तो मैं बोलते रह जाऊंगा। वांछा कल त्रुभ्य कृपा से ओम ज्ञान तिरमंदस्य ज्ञानंजन सलाकय चस गुरु मृतमेन तस्य श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवासुत देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्प व्रज कृपा सिंधु एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो गुरु महाराज की जय हो। सबसे पहले मैंने त्रिलीला ओम प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि वटन नमन प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण परंपरा के चरणों में कोटि कोटि वटन नमन करता हूँ। व्यासन भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत सिद्धि महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। यहाँ बैठे मेरे गुरु भाई जीत प्रभु और बचते हैं बहुत पुराने, सबके लिए मेरा यथायोग प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो गुरुदेव की महिमा आप सुन रहे हो। मैं अपना प्रैक्टिकल गुरुदेव के साथ मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है मैं वो बता। गुरुदेव जब नोएडा में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था पता है? खबरदार, ये बोला था प्रभु जी, खबरदार मैं यहाँ जब गुरुदेव का पहली बार जब जो प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ के नोएडा के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम हुआ था तो सबसे पहले यही बोला था खबरदार मैं तुम्हें यहाँ मीठी मीठी बात बताने नहीं आया, जो कड़वी से कड़वी बात है वो कहूंगा। और गुरुदेव नियम के बड़े पावन थे, मैं दो तीन वो बताता हूँ अनुभव, चूंकि समय महाराज जी को जाना भी है तो मैं यही बताया था। एक पहला अनुभव यह है कि अपने गुरु की तो सब पढ़ाई करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सब जगह देखा है, बहुत सारे गुरुओं के शिष्यों को देखा है, अपने अपने गुरुओं की सब पढ़ाई करते हैं। अपने गुरु की कोई बड़ाई करे तो कोई बड़ी बात है? है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे गुरुओं के शिष्य जब हमारे गुरुदेव की बड़ाई करते हैं तो हमारा छाती सीना चढ़ जाता है। हम अपने को धन्य समझते हैं।
हम धन्य समझते हैं। महाराज जी बता रहे थे ना, गुरुदेव ने कहा था कि जो मेरी शरण में आ गया मैं उसकी चुटिया पकड़ के नरक में से भी निकाल के भगवत प्राप्ति करा दूंगा। और ये ऐसे नहीं कहा, ये मथुरा की बात है। एक माता जी थी और उनका बेटा मर गया था। जब बेटा मरा था, पति मरे थे ऐसे, तो वो रो रही थी, तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हारा शिष्य था, वो चला गया। तो गुरुदेव ने तब कहा कि नहीं नहीं, मेरा अगर शिष्य है तो मैं नरक में से चुटिया पकड़ी उसको भगवत प्राप्ति करा दूंगा। जब तक मेरे शिष्य जो मेरी शरण में आ गए उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मैं बार बार आता रहूंगा। और बार बार का मतलब क्या है, उसी रूप में नहीं। उन ये भी तो महाराज जी जो बैठे हैं, ये भी गुरुदेव हैं, ऐसी रूप में आते रहेंगे। इसी महाराज जी इसी रूप में आते रहेंगे। कितनी चुटिया पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, यहाँ कितने सारे लोग थे, कैसा व्यवहार था उनका। और एक अनुभव और बताता हूं मैं आपको। एक बार गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे। ये बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहां उनका कुछ ऑपरेशन होना, डॉक्टर तो पूरा प्रक्रिया करने के बाद भी उनकी क्या करें क्या न करें। तो फिर उन्होंने यहां से फोन किया अमेरिका, उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, जो स्पेशलिस्ट थे कि एक बाबा है और उनको हमने पूरा प्रक्रिया कर दिया है, और लेकिन जैसे ही हम अपना वो क्या बोलते हैं उसको कान में लगा करके हृदय में, तो वो आवाज आती है हरे कृष्ण महामंत्र की। ये गुरुदेव की महिमा। और ये जो ब्रजवासी होते हैं ना, ये किसी को मानते नहीं है। ज्यादातर ब्रज में रहते हैं ना, इनको अहंकार होता है हम ब्रज में रहते हैं। जब हम राधा गिरधार जी की जब परिक्रमा करते हैं, राधा कुंड पे एक गिरधारी पंडित जी थे, बुढ़े थे, बेचारे शरीर छोड़ दिया उन्होंने। एक बार हम जब आ रहे थे तो मैंने उनको प्रणाम किया, पूछा लाला, मैंने कि हम महाराज जी, मैंने प्रभु जी क्या होते, कौन बस, जनकपुरी से। पहली बार तो जनकपुरी में मैं भी, सुबह सुबह की बात है, गुरु राधानाथ प्रभु बहुत सारे भक्त जी तो प्राण प्राण ये सब गए वहां सुबह सुबह लेके चले गए। महाराज जी को जब लेके आ रहे थे, रमण बिहारी गोड़िया मठ के गेट के सामने माधव महाराज जी उनको लेके आ रहे थे। और जब उनको लेके आ रहे थे तो गुरुदेव को जब वहां खड़ा कर दिया तो उन्होंने कहा मेरे को आगे ले चल, मुझे को दोबारा नहीं आना। तो उन्होंने कहा यहीं से प्रणाम कर ले, कहा नहीं नहीं मैं अब दोबारा नहीं हूँ, आगे ले चल। तो ऐसा कौन कह सकता है, कौन कह सकता है? इसका मतलब गुरुदेव साधारण नहीं थे, ये अपनी इच्छा से आए और अपनी इच्छा से जा रहे। हम जैसे लोगों पर जीव लोगों के लिए केवल कृपा करने के लिए लोग आते हैं और हम पर कृपा करके फिर अपना धाम को चले जाते हैं। ये राधा रानी की और महाराज जी बता रहे ना मंजरी है। और फिर वही बात वो गिरधारी पंडित जी बता रहे थे कि लाला हम जब यहाँ आए तो टीवी लगा रखा, देख जब टीवी लगा रखा था तो हमने कहा भाई हमें तो महाराज जी से मिलना है, तो हमें नहीं मिलने दिया। बोले ना ना टीवी में दर्शन कर लो। तो हमने कहा भाई बता दो राधा कुंड से गिरधारी पंडित जी आए हुए हैं। कह रहे लाला हमारा मौका मिल गया, देखा हमको बुलाया। बुलाया तो कह रहे कि भाई लाला तेरे गुरुदेव ने ऐसे बोला कि पंडित जी अब हम यहाँ से जगन्नाथपुरी जाएंगे और जगन्नाथपुरी से अपनी यात्रा नवदीप में खत्म करेंगे। कह रहे मेरे से खुद बोला, वो अपना अनुभव बता रहे थे ब्रजवासी कि तुम्हारे गुरुदेव साधारण नहीं थे। जब ब्रजवासी जब ऐसी महिमा गाने लगे हमारे गुरुदेव की तो समझ लेना कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसे महाराज जी के चरणों में हमें आश्रम मिला। और महाराज जी का एक और महाराज जाएंगे ना, एक और छोटा सा बता रहा हूं। जब महाराज जी जब विदेश से आते थे तो हम एयरपोर्ट जाते थे सब लोग, मृदंग लेकर के कीर्तन लेकर के गुरु जी के जितने शिष्य थे वहां जाते थे। तो रोहिणी नंदन प्रभु के कुछ शिष्य थे, वो जो इंजीनियर थे, तो वो कहते थे कि गुरुदेव आपके कब आएंगे, हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी गुरुदेव आएंगे तो आए, जब हो गए तो जब महाराज जब आते थे तो वहां बैठ जाते थे सोफा पे, सब लोग बैठ जाते थे और फिर कीर्तन होता था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये लोग आपसे मिलने चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो महाराज जी हम आपका ना 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारा पता है कई जन्मों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे पास आओ, इंतजार कर रहे हो।
तो गुरुदेव के जो भी ऐसे जो एक बार की बात है, कोई हमारे जैसा ही था, गुरुदेव के पास आ गया, ट्रेन की बात है, ट्रेन में गुरुदेव जा रहे थे, तो वो बता रहे थे कि लाला गुरुदेव जा रहे थे तो वो सब अपनी समस्या बता रहे थे। जैसे हम बताते हैं ना महाराज जी के जो पास आते हैं कि महाराज जी क्या करें, भजन बहुत है, पत्नी लड़ती है, घर की समस्याएं, ये समस्याएं, बड़ा उलझा हुआ हूं। तो जब ऐसे बता रहे थे, गुरुदेव ने केवल दो ही शब्द बोले कि तुम पहला महाराज से भी ज्यादा परेशान हो क्या, जब वो भजन कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते। तो गुरुदेव दो शब्द में भी बहुत बड़ा उत्तर दे दिया करते थे और संतुष्ट कर दिया करते थे। और गुरुदेव से केवल गुरुदेव की जो आवाज है ना, लास्ट मोमेंट तक भी इतनी कड़क थी, अगर कोई गुरुदेव अंदर कथा कह रहे हैं और बाहर कोई है तो कोई बता नहीं सकता कि गुरुदेव के शरीर का इतना एज होगा। ठीक है, वांछा कल प्रवच कृपा सिंह, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पर उसकी ऐसी कृपा करते रहें और महाराज जी जैसे साधु जो उनके अपने ही हैं उनसे मिलाते रहें। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपाल पिचकाचार्य परमहंस सष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदानंद गोस्वामी महाराज जी की जय। आज अभी महाराज जी ने बोला कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारी एक पुष्पांजलि होती है गुरुदेव के प्रति। तो मैं बहुत कैपेबल तो नहीं हूँ, पर जितना भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ तो प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव इस पुष्पांजलि को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं, जैसे महाराज जी बोल रहे थे कि हमारे जो गुरुदेव थे वो समस्त गुणों से पूर्ण थे, और ये चीज जैसे कहते हैं ना कि होनहार विनमान के होत चिकने पात, बचपन से ही ये उनके बारे में प्रेडिक्शन हुई। तो एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगी। जब वह 10 साल के थे तो उनके उनके पेरेंट्स ने उनको एक छोटा सा घोड़ा दिया। तो वो अपने सखाओं के साथ क्योंकि वो विलेज में ही रहते थे तो जंगल में जाते थे, और जब तक वो घोड़ा आसपास घास चलता था तो वह अपने सखाओं के साथ थोड़ा खेलते थे। तो एक बार इसी तरह से सारे सखा पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे, तो जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि वह घोड़ा नहीं था। तो वह गुरुदेव के साथ सब उस घोड़े को ढूंढने लग गए, और थोड़ी देर बाद देखा कि एक जगह थोड़ा सरोवर है और वहां पे वो घोड़ा चुपचाप खड़ा है। तो वह सब वहां गए और उन्होंने उस घोड़े को अपने बुलाने की कोशिश की, अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पर वो घोड़ा थोड़ा सा भी टस से मस ना हो। तो सबको लगा कि शायद इसको किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो आसपास ढूंढने लगे कि कौन है जिसने इस घोड़े को ऐसा कर दिया कि वो ना तो हमारे पास आ रहा है ना इधर हिल रहा है। तो देखा उन्होंने कि एक योगी वहां पे खड़ा है और वो अपना पैर ऊंचा करके तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने उस योगी से पूछा कि आपने इस घोड़े को कुछ जादू टोना किया है। तो वो योगी बहुत गुस्से में आ गया और उसने गुरुदेव को कहा कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, इसी सरोवर का पानी पीता हूँ, और तुमने इस घोड़े को छोड़ दिया और इसने आके इस सरोवर को गंदा कर दिया। तो गुरुदेव ने बोला कि इसमें एक पशु की तो कोई गलती नहीं है, वो तो जानवर है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है। परंतु तब भी वह योगी बहुत गुस्से में बोलने लगा। तब गुरुदेव ने देखा कि इसका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा है, तो चाहे वो 10 साल के भी थे और तब भी उन्होंने अपने में कोई गुस्सा नहीं आने दिया और योगी के चरण छुए और उनसे माफी मांगी। तो जो योगी थे वो उनकी ह्यूमिलिटी देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला कि मैं नारायण हूँ, कौन नारायण उनका नाम था। तो जैसे उन्होंने सुना नारायण, उन्होंने कहा अच्छा तुम नारायण हो, मैं तो तुम्हारी ही वेट कर रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रहा हूँ तुम। और उसी दिन उन्होंने यह भविष्यवाणी करी कि तुम एक दिन, जबकि वह 10 साल के थे गुरुदेव, तुम एक दिन बहुत बड़े आचार्य बनोगे, पूरे
संसार में प्रचार करोगे, बहुत लोगों को भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में लेके आओगे। तो सारे सखा लोग, क्योंकि वो तो गुरुदेव को अपना सखा ही मानते थे, तो हैरान हो गए। और गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं, पर योगी ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज मैंने तुम्हें यह बता दिया कि तुम एक दिन ऐसे ही आचार्य बनोगे और भगवान ने चाहा तो हमारी फिर मुलाकात हो। तो और गुरुदेव, जैसे हम सब जानते हैं कि उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया, और गुरुदेव के गुणों की व्याख्या तो हम कर ही नहीं सकते। इतनी उनके अंदर सबसे बड़ी जो बात थी उनके अंदर की, जो देखा कि हम लोग जब दिल्ली वासी थे, हम जब गुरुदेव से पहले मिले तो हम तो सोचते थे कितने बड़े आचार्य हैं, पर गुरुदेव में इतनी सिंप्लिसिटी थी कि वह कहते थे, अरे तुम तो इतने बड़े घर से आई हो, तुम यहाँ पे चली जाओगी, यहाँ कैसे रहोगी। वो बल्कि चिंता करते थे कि मैं इनको कोई तकलीफ ना होने पाए। तो हमने उनके भक्तों में भी देखी, हमने महाराज जी को खुद देखा है कि वह इतने छोटे से कमरे में रहते थे, भजन करते थे, और इतने गुरुदेव ने मुझे कहा, अरे तुम, जैसे महाराज जी का पहला नाम दसानंद प्रभु था, अरे तू दसानंद प्रभु की कथा मत सुनियो, मुझे भूल जाएगी। तो इतने लव से वो हास पर हास क्या करते थे। और आज उन्हीं का पोटेंसी है कि गुरुदेव, जैसे महाराज जी इतने सिंपल थे, पर आज उन्हीं की पोटेंसी से गुरुदेव में प्रचार कर रहे हैं। तो गुरुदेव खुद भी कहते थे कि मैंने तो इंग्लिश कभी सीखी नहीं, परंतु जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय से ही हमारा सारा ज्ञान प्रकट होता है। और ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे जितने भी गुरुदेव के भक्त हैं, आज वो ऑल ओवर द वर्ल्ड श्री कृष्ण लीला कथनितोदक्षम औदार्य माधुर गुणश्रीयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महान्तम नारायणम तम सिरसा नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यलाप अभिषम विष्णुपाद अष्टोशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़े गुरुदेव पुष्पाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी मैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। व्यासपीठ पर आसन में शिक्षा गुरुदेव पुष्पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे माता भाई बहन के चरणों में मेरे थाइयों के दंडवत प्रणाम। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय हो चला है, और गागर में सागर भरने की तो जो कला है वो गुरुपाद पद्म के अंदर ही है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन जितना भी मैंने अभी तक जो संघ किया है अपने ज्येष्ठ गुरु भाइयों का, तो उससे मुझे एक चीज सीखने को मिली। एक मैंने छोटा सा प्रश्न किया था वृंदावन के कृष्णदास प्रभु जी से कि प्रभु जी, हम लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करो भजलो श्री रघुवीर। ठीक है, तो जब सब कुछ प्री डिसाइडेड ही है कि क्या करना है ना, क्या नहीं करना है, तो जब भौतिक जगत के लिए चीज एप्लीकेबल है तो क्या आध्यात्मिक जगत के लिए चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकती। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं एकांतिक भजन करूं, सब कुछ छोड़ दूं, और बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन कोई एक चीज है जो हमें रोकती है। खूब प्रयास करके देख लिया, फाइनली मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे बस के नहीं है। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि जो करना होगा ठाकुर जी अपने आप करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिससे हम सबको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो, अभी गुरुदेव ने बोला था कि मेरे गुरुदेव बोलते थे कि जब तक मेरा एक भी शिष्य जड़ जगत में रहेगा मैं उसे नरक से भी चोटी पकड़ के खींच के लाऊंगा, और जब तक उसको नहीं छोड़ूंगा जब तक भगवदाम नहीं पहुंचा दूंगा। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल कब होगी, ये चीज एप्लीकेबल कब होगी, यही कृष्णदास प्रभु ने बताया कि देखो, गुरुदेव ने तो अहेतु की कृपा करके आपको अपना लिया, लेकिन अपनाने के बाद आपने उनको पूत और कपूत में अंतर होता है ना, ऐसे शिष्य और कुशिष्य में भी अंतर होता है।
कि गुरुदेव ने तो हेतु की कृपा करके हमें अपना लिया, लेकिन क्या हम डिजर्व कर रहे हैं, क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जो गुरुदेव ने वास्तव में हमें बताया है? क्या हम प्रॉपर तरीके से वैष्णवों का संग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हरिनाम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से धाम यात्रा कर रहे हैं? हम लोगों के मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बस गुरुदेव का हमने नाम ले लिया, विष्णु मंत्र में दीक्षित हो गए, बस इति सिद्धम, बस हो गया सब कुछ। नहीं भैया, जो गुरुदेव ने भक्ति रूप जो अंकुर डाला है, बीज डाला है, उसको रोपित करना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा। किससे? वैष्णवों के संग से, कथा से, भगवत धाम यात्रा करने से, इन सब चीजों से सींचना पड़ेगा। हम लोगों के में गलत फहमी है, मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता बिल्कुल, देख के भी एक एक चीज लेता हूं, है ना। मैं तो बहुत फॉलो करता हूं, मैं तो चाय कभी नहीं पीता, मर जाऊंगा लेकिन चाय नहीं पीऊंगा, है। और मैं तो जो है बस अपनी जो है किसी भी प्रकार से जो है एक दो माला हो गई काफी है, नाम तो कर ही रहा हूं ना मैं। नहीं भैया, गुरुदेव ने कहा था कितने भी शास्त्र पढ़ लेना, कितने भी धाम यात्रा कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन जब तक एसोसिएशन नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि जिन गुरु पाद पद्म ने हमें अहेतु की कृपा करके अपनाया है, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चले। तिलक लगाने से वैष्णव नहीं बनते, कंठी पहनने से वैष्णव नहीं बनते, है ना। अगर ऐसे ही वैष्णव बनते तो काल ने भी सबसे बड़ा वैष्णव होता, उसने राम राम करके हनुमान जी को भी नीचे उतार लिया था। ये समझना पड़ेगा, ये शिष्टाचार है, वैष्णव शिष्टाचार है, वैष्णव सदाचार है, इसका भी पालन करना है, इसका भी नजरअंदाज नहीं करना, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीनी है, लेकिन ये तो सब गुण है। मूल क्या है? मूल हरेर नाम एव केवलम। और कब करना है हरे नाम? एसोसिएशन के साथ करना है, गुरुपाद पद्म की शरणागत होकर करना है, उनसे ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैंने तो अपने हाथ पैर मार लिए, मैं अपना सब कुछ कर रहा हूं, अब आप मुझे अपनाइए। भूल जाना है इस बात को कि मैं नियम, अरे डॉक्टर ने दवाई दी है, अब परेज ही परेज कर रहे हो, दवाई खाने रहो तो फायदा होगा? नहीं होगा। ये निकेन प्रकार ने हरिनाम करना है, हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक बार संतों की एसोसिएशन करनी है, ऐसे गुरुपाद पद्मों के चरणों में आना है, तभी गुरुदेव बार बार आएंगे हमको लेने। ऐसे नहीं आएंगे बस ले लिया हरिनाम, गुरुदेव अभी बता रहे थे डॉक्टर का बेटा बनने से डॉक्टर नहीं बन जाएगा, उसको वो काबिलियत अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, उसे ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, उसे एसोसिएशन ग्रहण करनी ही पड़ेगी, तभी गुरुपाद पद्म आएंगे हमें लेने के लिए। नहीं तो गुरुदेव तो अपने भजन से तर जाएंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नरक में हम मरेंगे। कौन मरेंगे नरक में? हम मरेंगे। तो गुरुपाद पद्म का जो सिद्धांत है, जो उनकी शिक्षा है, मूल ये है। अभी गुरुदेव का सेंटिनल प्रोग्राम में गुड्डी दीदी है मथुरा की, एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए दीदी आई, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद तूने आज सुबह से क्या किया? गुरुदेव ने पूछा, आज सुबह से तूने क्या किया? कि गुरुदेव मैंने अष्टकम पढ़ा, ये पढ़ा, फलाना, पूरा दुनिया का बता दिया कि तूने कुछ भी नहीं किया, मैंने अर्निंग कर ली, गुरुदेव सब कुछ कर लिया, गुरुदेव ने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया। गुड्डी दीदी बोल रही है कि तूने कुछ भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि तूने हरिनाम नहीं किया। हरिनाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। ये हरिनाम के साथ एक पहलू है सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबको ये नियम लेना ही चाहिए कि जब तक मैं एक दो माला, हमारे महाराज जी हर कथाओं में बोलते हैं, अरे कोई एक नियम ऐसा बनाओ कि सुबह उठ के सबसे पहले हरिनाम, बाद में कोई और काम, ठीक है। तो ये सीखने की जरूरत है। गुरुपाद पद्म हरिनाम में मन भी जब ही लगेगा, जब हम गुरुपाद पद्म की शरण ग्रहण करेंगे, तो आज गुरुदेव की तिथि में गुरुदेव का आदेश संदेश जो यही है, और विरह कहां है? आज गुरुदेव का विरह महोत्सव है ना, विरह है कहां? जिसको अनुभव होता होगा और उसी को अनुभव होता होगा जो गुरुदेव से कनेक्ट नहीं होगा। गुरुदेव से कनेक्ट होने का तरीका क्या है? जब गुरुदेव के साथ साथ जो दवाई दी है वो भी लेनी ही पड़ेगी। क्या दवाई दी है गुरुदेव ने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डजंट मैटर के आप कितनी वैष्णव सेवा कर रहे हो, करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का एक शिष्य हुआ थे, क्या करते हो? मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। सोते कितने घंटे हो? 6 घंटे कि कोई बात नहीं, 3 घंटे सो, हरे नाम करो। तो अगर हम सब में से यहां कोई बैठा हो सोच रहा है कि मैं अन्य अन्य सेवा तो बहुत कर रहा हूं लेकिन हरिनाम नहीं कर रहा, नहीं, यू आर डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे। तो गुरुदेव, आज गुरुदेव की तिथि पर
पुष्पक वामन गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि पर आज हम यहाँ से ये संकल्प लेके जाएं कि ये गुरुदेव हमारे पास आ रहे हैं, इस वृद्ध अवस्था में इतना कष्ट कर रहे हैं हमारे लिए, और हम इनको क्या दे रहे हैं बदले में? गुरुदेव आपसे कुछ धन मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे है? कोई आपसे वैभव मांगने के लिए आए, कोई खाते मांगने के, सेवा कराने के लिए आए? नहीं, भजन कर ले और करना ही पड़ेगा, बिना इसके कोई संभव नहीं है। यस्य प्रसादा भवत् प्रसादा यस्य अप्रसन्ना नागतोऽपि। ध्यान रखना, अगर ये गुरुपाद पद्म अप्रसन्न हो गए ना, ना गति कतोऽपि, गति कोई है ही नहीं, 84 लाख यहां चले जाएंगे, एक पल का भरोसा नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, गुरुपाद पद्म का संदेश है, विरह मैं उतने ही तुम्हारे करूं जितना तुम सांस लेते हो, तो अनुभव करो गुरुदेव का स्वप्न में किसी ना किसी प्रकार से महाराज जी के माध्यम से। महाराज जी भी तो साक्षात गुरुदेव ही है, इनके अंदर अनुभव करोगे तो वही गुरुदेव मिल जाएंगे। मुझे तो बड़ा अनुभव होता नहीं है बिल्कुल भी, इनकी छवि को निखारोगे, इनकी शिक्षाओं को, ये महाराज जी का जो शिक्षाएं देते हैं वही, जो गुरुपाद पद्म से शिक्षाएं ली वही तो महाराज जी हमें दे रहे हैं और वही हमें देनी है आने वाले समय में, तो वही सब करना है। गुरुपाद पद्म अभिन्न है, चाहे वो हमारे पूज्य भक्तिवर नारायण गोस्वामी महाराज हो, पूज्य श्रीधर महाराज हो, या अन्य हमारे जितने भी त्रिकंडी पाद है। ठीक है, मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में फिर से निवेदन करूंगा, केवल हरि नाम करना है और साधु संघ के साथ करना है। पांचाकल दुर्भिषे कृपा संधवे जय पतिता नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णव जी। हरि नाम के साथ साथ सेवा भी कर, दोनों करनी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र भावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु स्वयं कहते हैं हरि नाम भी करना, ठाकुर का सेवा, वैष्णव सेवा, सबको युगपद एक साथ में दोनों होनी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय केशवप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शील बामन गोस्वामीति नामिने। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चरित्र दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानुगुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे मंच पे आसीन पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भी यहाँ पर वैष्णव लोग, वैष्णवी माताएं, दीदी, प्रभु लोग आए हुए, सभी के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम करता हूँ। आज हमारे गुरुदेव का आज विरह महामहोत्सव है। 11 वर्ष पूर्व गुरुदेव राधा गोविंद के नित्य लीला में प्रवेश किए और उनके गुरु भ्राता नित्य लीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी की आज शतवार्षिक 100 वर्ष हो गए उनके आविर्भाव। तो बड़ी धूमधाम से ये जो तिथि है सर्वत्र मनाई जा रही है आज पूरे विश्व में, मायापुर में, नवदीप धाम में, वृंदावन में, मथुरा में, जनकपुरी में, नोएडा में, फरीदाबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, विदेशों में भी, अमेरिका में, आदि आदि देशों में सब लगे दो महापुरुषों के दिव्य चरित्रों का
और दिव्य गुणों का महिमा गान कर रहे हैं। और हम लोग जो इस तिथि में भाग लिया है, जिसी प्रकार से भी कोई यहाँ पर एक मिनट के लिए आए हैं, किसी ने थोड़ी बहुत सेवाएं भी की हैं, कुछ भक्त लोग तो सुबह से ही सोए नहीं है, बहुत चहल पहल से पूरी, कल लोगों ने, हमारे भक्त लोगों ने इसको सजाया है, कोई 56 भोग गुरु जी के लिए बना रहे हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली है। एक फूल भी जिन्होंने अर्पण किया है ऐसे महापुरुषों के, क्योंकि अभी हम सुनेंगे आगे आगे कितना महान इनका चरित्र है, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हम बैठकर इनकी महिमा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि आज जनकपुरी में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, महाराज जी को वहां जाना, हम लोग मैक्सिमम लोग यहाँ वहां जाएंगे जनकपुरी, तो यहाँ से जनकपुरी के लिए 1.5 घंटे का रास्ता है और ऑफिस टाइम है, ट्रैफिक भी होगा, आप लोगों को प्रसाद भी देना है, सिर्फ मैं 10 मिनट तक गुरुदेव की जो विरह तिथि है, जो गुरुदेव की आज, उसको थोड़े से उनका एक उपदेश या दो उपदेश का स्मरण करने का प्रयास करूंगा। तो पता है गुरुजी बिहार में बक्सर जिले में तिवारीपुर ग्राम में उनका आविर्भाव हुआ आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व, और पहले से ही बचपन से ही क्या करते थे वो, पता है कि राम रामायण पूरी कंठस्थ थी उनकी, भगवान राम का नाम लेते थे, और शुरू से उनका बड़ा हृदय, बड़ा सरल चित्त था उनका, रामायण को प्रसंग को पढ़ पढ़ के उनकी पढ़ा भी जाता था, कहते रामायण की किताब पूरी भीग जाती थी, और बहुत सारे अनुभव है उनके बचपन के भी, कैसे उन्होंने नौकरी भी छोड़ी, नौकरी छोड़ने का भी बहुत प्रसंग है, शुरू से ही वो भगवान का उनके प्रति विरह था, कृष्ण का नाम लेके राम का नाम लेके क्रंदन कर देते और भगवत अनुभूति से संपन्न थे, परंतु किसी तरह से छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चियां थी, लड़कियां थी, अभी कोई कमाने वाला भी नहीं है, और खुद ही पूरे परिवार का अड़ोसी पड़ोसी सबकी मदद करते थे, सरकारी नौकरी थी, पुलिस में थे, परंतु बार बार उनको प्रेरणा आती थी, तुम सारे जीवों का मंगल करना है, सब अनंत कोटि बहुत सारे जीव है, महापुरुष की धारा आदि आदि करके तुम्हें इसको आगे विस्तार करना है, तो गुरुजी बार बार कोशिश, एक बार उनके नरोत्तम ब्रह्मचारी है जिसका नाम नित्यरेश भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी, उनके जहाँ नौकरी पोस्टिंग थी वहां साहिबगंज कहाँ पर थे, वहां पर आए थे वो, तो वहीं पर कथा बोल रहे थे, कथा बोलते बोलते उन्होंने महापुरुष के अवदान वैशिष्ट्य दुर्लभ मनुष्य जन्म की महिमा सुनाई, तो वहां बड़े प्रभावित हुए और बोले आप कहाँ रहते, बोले हम नवदीप में रहते, और नवदीप में रहकर वो उन्होंने पत्र, उनका एड्रेस दिया, वहां से पत्र व्यवहार करने लगे, और घर छोड़ के भी कई बार 2-3 बार गए, परंतु उन्होंने देखा उनके पिताजी कहते थे आपके अलावा चलाने वाला कोई नहीं है, पर एक समय ऐसा आया, आज के लगभग हमारे जो नित्य भक्ति विदांत बामन गुस्वी महाराज आज उनका आविर्भाव तिथि है, वो ही गुरु जी को सबसे पहले रेलवे स्टेशन तिवारीपुर में लेने के लिए आए थे जब घर बार छोड़ के आए, और आज ही के दिन वो नित्य लीला में लेने के लिए, आज ही के दिन उनका आविर्भाव है, हमारे गुरु जी का आविर्भाव है, वहां भी लेके गए और यहाँ भी लेके गए, तो गुरु जी को पता भी नहीं है, पर परम गुरु जी ने उनको भेज दिया, जाओ सज्जन सेवक, उनका नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, आज तिवारी जी आने वाले गौर नारायण तिवारी आएंगे, उनको लेने जाओ, तो इतने उनके गुरु, हमारे गुरु भी साधारण नहीं और उनके गुरु भी साधारण नहीं, पहले उनको क्या किया, भेज दिया लेने के लिए, और लाल टेन थी, अंधेरा होता था आदि आदि, तो कैसे लेके आए, बोले तिवारी जी कौन है, तिवारी जी बोले, उन्होंने हाथ उठाए, अरे आप चलो, बोले आप कैसे कहाँ से आए, बोले मैं नवदीप से आया हूँ, बोले किसने भेजा, बोले मेरे गुरुदेव ने भेजा, बोले कि आपको लेने के लिए, बोले बोले मैंने तो बताया नहीं कि आना है कि नहीं आना, कोई फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ भी नहीं, कहते नहीं, उन्होंने बोला आ जाएगी, आज लेके आओ, तो ऐसे वो अंतर्यामी थे परम गुरु जी भी, गुरु जी के विषय में हम सुनेंगे कितने बड़े अंतर्यामी थे, अभी धीरे धीरे वो आए, और जैसे ही वो आए बहुत सारे बीच में और घटनाएं उनके बचपन की भी है, पर अब समय नहीं है, जब वो आए तो उन्होंने पहले दिन से संपूर्ण समर्पण गुरुदेव के चरणों में कर दिया, उनके गुरु जी ने कहा मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूँ, 3 लोगों को, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, राधानाथ दास अधिकारी, त्रिकुट महाराज जी और हमारे गुरुदेव, तो पहले संन्यास लेना बड़ा कठिन था, संन्यास व्यक्ति वो लेगा जो पूरा विरक्त हो, शास्त्र ज्ञान जिसको हो, पूर्ण अनुभूति जिनको हो, गुरु सेवक हो, बहुत सारे गुण देखे जाते थे, तो
तो इन्होंने मना कर दिया दोनों ने, तिरुका महाराज जी और हमारे पूज्य बावन गुस्से महाराज जी ने, क्योंकि दीन था बस, ऐसा नहीं योग्य नहीं है, बहुत धुरंधर थे। अभी सुनेंगे पूरी डिक्शनरी, गौड़ी है कि डिक्शनरी बोलते थे पूज्य भक्तिवेद बावन गुस्से महाराज को। पूरी गीता याद है, पूरी भागवत याद है, वेद पुराण उपनिषद याद है, इतने श्लोक याद थे इनको, इतने श्लोक याद थे सोच नहीं सकते। तब भी उन्होंने कहा दीनता गुरुदेव मैं तो योग्य नहीं हूँ कि मैं संन्यास ले सकूं, और तिलका महाराज ने भी मना किया। और गुरुदेव से जब पूछा गया तो गुरुदेव ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव के निकट बोले, गुरुदेव मैं अपनी माँ की ममता, पिता का स्नेह, बंधु का बंधुत्व सब आपके चरणों में मैं लेके समेट के रख रहा हूँ। आप मेरे को संन्यास दे, लाल कपड़ा दे, सफेद कपड़ा दे, नंगा रखे, जैसा भी रखे, मैंने आपको अपना जीवन दे दिया। ये शब्द बोले, शब्द कितने साधारण है, पर परम गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बिल्कुल निष्कपटता के साथ ऐसा बोल रहे थे। और जब बोले, बोले कि ऐसा बोलने वाला मेरे को कोई आज तक मिला नहीं। और गुरु हम भी ऐसा बोलते हैं, गुरु जी हम संन्यास लेना चाहिए करने, गुरु जी जानते कपट है अंदर से कुछ बाहर से कुछ, और गुरुदेव इतनी शरणागति के साथ बोल रहे थे कि परम गुरु जी के आंखों उसी समय आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने संन्यास लिया। और गुरु जी ने उन्हें मथुरा मठ का इंचार्ज बनाया, बोले कि यहाँ पर तुम ब्रज में प्रचार करो। वहां पर गुरु जी ने आदर्श दिखाया, जैसे महाराज जी बता रहे थे 2 लाख हरिनाम करते थे, और पहले 1 लाख हरिनाम करते थे तो ना कुछ लेते नहीं थे नाश्ता, और ग्रंथों का जैव धर्म ग्रंथों को प्रकाशन किया, बहुत सारे ग्रंथ वहां से प्रकाशन किया। और सबसे बड़ी बात है, ब्रज में प्रचार नहीं था पहले हमारा, वृंदावन है मथुरा में नहीं था, कोई मठ आना भी नहीं चाहते थे, कहते बंगालियों का मठ है, काला जादू करना जानते हैं। तो इन्होंने गुरुजी ने, पर गुरुदेव जब तक जानते नहीं थे, पता नहीं था, पर गुरुदेव के द्वारा, स्नेह के द्वारा, गुरुदेव के प्रेम के द्वारा मथुरावासी ऐसे आकर्षित होते गए, विशेषकर पंडित लोग और वहां के चतुर्वेदी द्विवेदी बड़े बड़े विद्वान जब गुरु जी की कथा सुनते थे और उनका व्यवहार देखते थे तो इतना खुश हो जाते, इतना मुग्ध हो जाते। कोई भी यदि कराता कि गुरुदेव हमारे घर में कथा कराना है पर हमारे पास पैसे नहीं है, तो गुरुदेव बोलते थे अरे तुम्हारे घर में चटाई तो होगी बिछाने की, बोले हाँ चटाई तो है, बोले चटाई नहीं होगी तब भी हम ले आएंगे, हमारे मठ में चटाई है, एक चटाई ले आएंगे और एक गिलास पानी तो होगा, बोले हाँ एक गिलास पानी दे देना और हम लोग आएंगे। ऐसे सच में ही गुरुदेव क्या देने के लिए आए थे, कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। तो जब देना शुरू किया उन्होंने, अपना हृदय खोलना शुरू किया अपने स्नेह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा जब उन्होंने लुटाया, तो पूरा मथुरा वासी, पूरा मथुरा में एक से बढ़कर एक जुड़ते चले गए बड़े बड़े विद्वान, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी। फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रचार दिल्ली से शुरू हुआ, बेंगलोर मुंबई आदि आदि हुआ। और फिर गुरुदेव जब भक्ति विधान स्वामी महाराज जी के अप्रकट होने के बाद, स्वामी महाराज के अप्रकट होने के बाद जो जब बड़े जो कोई गुरुदेव जाते तो उथल पुथल मच जाते शिष्यों में, तो बहुत सारे शिष्य थे साधु संघ के अभाव के कारण क्या कर रहे थे, भजन उनका छूट गया। रसिया में बहुत सारा प्रचार था इस्कॉन का, अभी भी है। उस समय स्वामी महाराज जी ने प्रयास किया तो उस समय वहां के ब्रह्मचारी सन्यासी लोग भी वहां पर क्या हो गया, भजन अजन छोड़ने लगे। तो इन्होंने बहुत सारे भक्त लोग इस्कॉन से आए और गुरुदेव के निकट आए, गुरुदेव आप विदेश चलो, वहां पर लोग साधु संघ के अभाव में क्या हो रहे, कमजोर पड़ रहे। तब गुरुदेव ने जीवों के प्रति दया को देखते हुए, स्वामी महाराज ने भी कहा था तुम मेरे साथ विदेश चलो, गुरुजी ने कहा मैं अपने गुरुजी की सेवा में हूँ, एक समय आने पर मैं चलूंगा। जब गुरुदेव पहली बार विदेश गए, आप देखोगे वीडियो, किसी को बड़े मुस्कान के द्वारा, किसी को हाथ पैर के द्वारा, किसी को बड़े दूर की दृष्टि के द्वारा, जो विदेशी लोगों ने भजन छोड़ दिया था कैसे उन्होंने उनको स्नेह दिया, प्रेम दिया, और कैसे उनको उठाया, दोबारे से उनको ब्रह्मचारी को दोबारे संन्यास दिया, सन्यासी को जो गृहस्थ में चले गए थे फिर दोबारे से संन्यास दिया, और अपना चित्त बल प्रदान करते उनको साधु संघ प्रदान किया। और ऐसे ही विदेश में गुरुजी धीरे धीरे फिर रसिया में, हॉलैंड में, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में धीरे धीरे महापुरुष की वाणी को उन्होंने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद फिर धीरे धीरे गुरुजी के अंदर इतना उत्साह था, जिसके अंदर उत्साह है वही उत्साह दे सकते हैं। आप जानते होंगे
चार पांच तिथि ऐसी है जब हम लोग गुरु जी का दर्शन करते थे विशेषकर, रोज नहीं कर पाते थे। एक रूप गोस्वामी की तिथि, एक राधाष्टमी तिथि, एक जन्माष्टमी, एक कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा, एक नवदीप परिक्रमा। गुरुदेव का उत्साह इतना था, अभी भी 80-90 साल के गुरुदेव हो गए, राधाष्टमी मनाई जा रही थी और वहां पर गुरुदेव के चारों जगह चाव लेने के लिए जाते थे। गुरुदेव स्वयं ही चाव लेने के लिए जाते थे पहले, पर अभी डॉक्टर ने मना कर दिया, अस्वस्थ हो गए। तो गुरुदेव क्या करते थे, जो भी चाव लेके पार्टी, अरे पूज्यपाद हमारे भक्तिवृंद श्रीधर महाराज जी एक पार्टी में जा रहे हैं, एक में हमारे पूज्यपाद भक्त माधव महाराज जी जा रहे हैं, एक बार पूज्य बन महाराज जी जा रहे हैं, तो जो भी पार्टी आएगी, गुरुदेव पे अभी 80-90 साल हो गए, ऊपर वाला कमरा है, अभी ज्यादा चला भी नहीं जा रहा है, डॉक्टर ने मना भी किया है। और गुरु जी क्या करते थे, सुबह तो बहुत राधा तत्व की कथा सुनाते थे हैं, और फिर चाव लेने के जाते थे, जैसे ही बैंड की आवाज सुनी तो कह रहे अरे आगे चाव लेके आगे, चलो चलो माधव महाराज को बोलते नीचे चलो, महाराज बोले नहीं नहीं अभी अभी बहुत दूर है, कह रहे नहीं आवाज आ रही है चलो, तो ऊपर से उतर के बड़े उत्साह के साथ आधे थे उतर के, और एक बैंड को स्वागत किया, इतनी भीड़ हो जाती मथुरा गेट पर, और सबको फूलों से वहां स्वागत करते थे, सारा चाव को राधा जी को गिफ्ट ऑफर करते थे। फिर दूसरी पार्टी आई, फिर दोबारा ऊपर जाते थे, जबरदस्ती ले जाते थे, फिर दोबारा आते थे। एक ऐसे होते होते क्या हुआ, बहुत भीड़ थी, एक चीटी जैसे कहना, और कोई कीड़ा भी डालोगे ऊपर ही, इतने लोग थे मथुरा मठ में। तो वहां पर क्या हुआ, बड़ी धक्का मुक्की थी, तो एक व्यक्ति का बड़ी प्रेशर के साथ धक्का लगा, गुरु जी का धक्का लग गया ऐसे, तो एकदम माधव जी क्या किया, गुरु जी को तो कष्ट सेवा का उनका धर्म है, तो उन्होंने क्या किया, एकदम से वो थप्पड़ मारा माधव जी पीछे, जो इसे गुरु जी को धक्का दिया ना, एकदम से थप्पड़ मारा, तो गुरु जी ने एकदम माधव जी पे हाथ उठाया, क्या कर रहे हो, कह रहे उनका दोष है, देखो ना भीड़ कितनी है, भीड़ कितनी है देखो, मतलब कितना वो एक एक व्यक्ति का कितना वो ध्यान रखते थे, रूप गोस्वामी की तिथि पे इतने उल्लासित हो जाते थे, इतने सारे वृंदावन में मथुरा में सबको बुलाते थे और सबको उत्साह प्रदान करते थे। और नवदीप परिक्रमा में जैसे मैं बता रहा था, पंडाल हमारा गिर गया था, 5,000-10,000 लोग थे उसमें, वो पंडाल गिर गया, तो लाइट भी थी उसमें, पर गुरु जी कृपा से एक व्यक्ति को भी खरोच नहीं आई, एक व्यक्ति को भी नहीं आई। उस समय क्या हुआ था, हम मैं मेरे मन में सोचता था, अरे गुरु जी तो क्या है बैठे रहते हैं, सब काम तो इतने ब्रह्मचारी सन्यासी कर रहे हैं, गुरु जी तो वृद्ध हो गए हैं, गुरु जी कार्य नहीं कर रहे, मतलब हम जड़ बुद्धि है ना हमारी, पर वास्तव में गुरु कैसे कार्य करते हैं। जब मेरे को पता लगा, उस समय जब पंडाल गिरा था, मैं वहां स्नान कर रहा था, देखा स्नान के निकला पूरा पंडाल गिर गया, और मैं आया था तीत महाराज जी रो रहे थे वहां पर कि इतनी बड़ी परिक्रमा है कैसे चलेगी, बहुत इधर उधर बहुत रो रहे थे। फिर मैंने देखा बन महाराज जी खड़े, परिव्राजक महाराज जी सब खड़े वहां पर, और सब लोग लग रहा परिक्रमा बंद हो जाएगी, ये बात कई बार घटना बता दी मैंने, तो स्मरण हो रहा है, तिथि है एक के बाद एक उनकी तिथि का स्मरण हो रहा है, कैसे उनके महापुरुष थे, कैसे उनकी दिव्य शक्ति थी। तो उस समय गुरु जी का पास वाला रूम था, पास में ही भजन कुटीर थी, क्योंकि हमारा मंदिर बना नहीं था, जो केशव जी गौड़े मठ है ना नवदीप में, वो बना नहीं था, पंडाल था सारा, पास में भजन कुटीर में गुरु जी रह रहे थे छत पे। तो वहां पर माधव जी ने देखा और गुरु जी को बताया कि पंडाल गिर गया, एक के बाद एक सूचना आने लगी। तो गुरु जी क्या थे, जितनी ज्यादा कष्ट आए उतना ज्यादा उनका उत्साह बढ़ जाता था और सबको भी उत्साह दे देते। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो परिक्रमा बंद हो जाएगी, गुरुदेव बंद क्यों होगी, अभी तुरंत जाओ थोड़ी सी स्पेस करो, थोड़ा सा अभी हम मैं कथा करूंगा, अब मैं आता हूँ तुम लोग कीर्तन करो। तो उस समय थोड़ी सी 100-200 गज का 400 गज जो भी है बहुत बड़ा है, तो कई बीघे में थोड़ा साफ किया भक्त लोगों ने, अब गुरुदेव आए, और गुरुदेव बड़े जोश के साथ, उनका चेहरा भी बड़ा लाल था, और आए और उनका चलो नरसिंह आरती करो, तो वहां नमस्ते नरसिंह आरती कीर्ति हो रही थी और गुरुदेव का चेहरा एकदम लाल। फिर गुरुदेव को जब माइक मिला गया तो गुरुदेव करे अब तुम लोग घबराओ मत, परिक्रमा बंद होने वाली नहीं है, बहुत जबरदस्त बादल आ रहे थे, बारिश आ रही थी। गुरुदेव ने कहा कि हम चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रार्थना करते हैं, या नित्य नरसिंह भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं, इंद्र को आदेश दे महाप्रभु की सेवा में विघ्न न डाले, और हमारी परिक्रमा रुकने वाली नहीं है, कितना भी कोई बड़े से बड़ा राक्षस या बड़े से बड़ा देवता भी कितना विघ्न डाले, हम महाप्रभु की सेवा में रुकने वाले नहीं है, कल परिक्रमा ऐसी होगी जोर शोर से। इतना जोश भर दिया, इतना उत्साह भर दिया गुरु जी ने, और
वहां ही सब लोगों के लिए प्रसाद हुआ, प्रेमानंद वहां टीम के साथ प्रसाद बना रहे, सब लोगों ने प्रसाद बांटा और सुबह गुरु जी आए पालकी को उठाने के लिए। वहां पर आठ आठ दस दस मृदंग के साथ, कीर्तन के साथ, बड़े जोश के साथ हमारी परिक्रमा निकली, पता भी नहीं लगा इतना बड़ा हादसा हो गया। और एक समय गुरु जी बता रहे थे ना पत्र अस्पताल में थे, तो गुरु जी को देखकर विदेशी लोग आते थे, देशी लोग आते थे, सब गुरु जी के कारण आते थे। अब गुरु जी क्या है अस्पताल में एडमिट है, तो वहां पर सूचना दिया ब्रजनाथ प्रभु ने, वृंदा देवी और ब्रजनाथ प्रभु ये देखते थे कि कौन आयोजन कर, कि लोग आ रहे, सब क्या कह रहे गुरुदेव विदेशी लोग वापसी का टिकट करा रहे, वापसी का टिकट करा रहे। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं वापसी का टिकट मत करा, मैं आऊंगा, निश्चित ही आऊंगा। तो माधव के प्रभु आप तो अभी हॉस्पिटल में, अब कैसे जाओगे? बोले कि नहीं नहीं मैं आऊंगा। तो उस समय गुरु जी को फोन से बात की, स्पीकर लगाया हॉस्पिटल में थे और रूप सनातन मठ में, तो वहां माइक चलाया। गुरुदेव ने कहा देखो बहुत जन्मों के बाद तुम इस ब्रज भूमि में आयो, और ब्रज कार्तिक मास हर बार आता नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा वापिस, मैं निश्चित ही आऊंगा थोड़े दिन के बाद, आप चिंता मत करो मैं आऊंगा। तो गुरु जी के चार चार दिन बाद ब्रजनाथपुर ने उसको लाइव, पहले तो नहीं था फेसबुक और व्हाट्सएप भी नहीं, इतना नहीं था, तो फोन से बात कराई, फोन को माइक लगाया, तो गुरुदेव ने चार पांच मिनट कथा बोली, इतना जोश भर दिया, इतना जोश भर दिया। पर गुरुदेव अभी हॉस्पिटल में ही है, तो गुरुदेव ने बार बार बोला मैं ब्रज में जाऊंगा, मैं ब्रज में जाऊंगा। माधव महाराज बोले आप तो उठा नहीं जा रहे, आप कैसे जाओगे? बोले नहीं कार्तिक महीना चला जाएगा, मैं जाऊंगा। फिर गुरुदेव को परिक्रमा हमारी गोवर्धन चली गई, और वहां से गुरुदेव आए, सारे लोग टकटकी लगा गिरधारी गौड़े मठ में इंतजार कर रहे हैं गुरुदेव को आना, तक दोपहर को 12 बजे 1 बजे, पर गुरुदेव किसी कारणवश विलंब से हो गया स्वास्थ्य कार्ड, उदय 5 बजे वहां पर पहुंचे और सारे लोगों ने घेर कर गुरुदेव जब गाड़ी से उतरे बिल्कुल भी पता नहीं लगा हॉस्पिटल से आए, ऐसे मुस्कुरा रहे कि जैसे अपनी बीमारी को अपने कष्ट को कैसे छिपा लिया, जैसे एक माँ होती है बच्चे के सामने अपने कष्ट दिखाती नहीं बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए, और ऐसे मुस्कुराने लगे सारे लोग गुरुदेव को देखकर, इतना उनके अंदर जोश भर दिया। और अगले दिन गुरुजी ने कहा माधव का मैं एक शर्त पे तो ले जा रहा हूँ आपको, आप वहां कथा नहीं बोलेंगे? बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। और अगले दिन गुरुजी आए, हमारा मठ बना नहीं था जब, ये पास के मठ में गुरुदेव ने उस दिन कथा बोली के बोले 5 मिनट बोलूंगा बस। अगले दिन आए 5 मिनट कथा बोले और रोज 10 दिन तक कथा बोलते रहे, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। तो ऐसे उनका दिव्य चरित्र है, अपने शिष्यों को उत्साह कैसे प्रदान देते, गुरु की कैसे सेवा की, कैसे जैन धर्म प्रबंध प्रवच का महाराज ने बताया, कैसे कैसे उन्होंने निकाला, कैसे ब्रजमंडल परिक्रमा नवदीप परिक्रमा ग्रंथों का पठन किया। तो उनका आज तिरुभाव तिथि है, हम भी प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में, हम भी कभी ना कभी गुरु जी की सेवा कर पाए, गुरु जी की सेवा को समझ पाए, उनके आदर्श को, विरह तिथि का मतलब होता है जो हम लोग उनके चरित्र को सुन रहे हैं, हम भी ऐसा पालन करने के लिए उनसे प्रार्थना करें, वो हमें कृपा कहते गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणापेक्षा तीना। पूज्य भक्तिन बावन गोस्वामी महाराज के विषय में 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज उनकी तिथि है, आविर्भाव तिथि है, पूरे विश्व में उनका उत्सव मनाया जा रहा है। तो महाराज जी कैसे सेवा करते थे, गुरुदेव की अपने परम गुरु जी कैसे दिया, वो भी ऐसे सेवक थे, 3 स्तंभ थे, भक्ति विधान बामन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान त्रिकम महाराज, पूज्यपाद भक्ति हमारे गुरुदेव, गौड़ी विधान समिति बनाई परम गुरु जी ने, 3 स्तंभ थे जिस पर वो पूरे मजबूत रूप खड़ी रही, और तीनों में ऐसी ममता, एक ही केंद्र बिंदु गुरु सेवा। तो गुरु जी जो बोलते थे, बोले सज्जन सेवक को बुलाते थे आर्टिकल लिखो मेरा आर्टिकल छपना है बिना त्रुटि, कहते हैं पहले तो हम लोग आज ग्रंथ प्रकाशन करते हैं, एक व्यक्ति करेगा हिंदी से बांग्ला से हिंदी में, फिर प्रूफ रीडिंग दूसरा करेगा, फिर भी मिस्टेक निकल जाती है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करेगा फिर प्रूफ रीडिंग होगी फिर मिस्टेक। पर पहले क्या थे, ज्यादा कंप्यूटर नहीं थे, प्रूफ रीडिंग भी नहीं होती थी, गुरु जी ने कहा लिखो, वो लिख रहे हैं, एक सेकंड एक भी वर्ड की गलती नहीं होती थी, और तुरंत कहां से ले आती थी, प्रेस में। एक समय क्या हुआ, गुरु जी ने कहा ये पत्रिका सुबह निकलनी चाहिए, लोग आए प्रकाशन होगा, तो पूरी रात बैठकर पत्रिका में काम किया, प्रेस छप 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 ऐसे करने वाली ना पहले, पूरी रात ऐसे पत्रिका पूरी रात करते काम करके वो पत्रिका छाप के गुरुजी को दे दी। देखो 12 बजे को आए गुरुजी जाग रहे, 2 बजे आए जाग रहे, 4 बजे आए जाग रहे, मंगल आरती में आ गए एकदम फ्रेश, पूरी रात सोए नहीं, और एक समय उनकी उंगली आ गई थी,
उंगली आ गई थी उनकी और रक्त की धारा बहने लगी, उन्होंने पट्टी लगा के फिर सेवा करने लगे। फिर किसी ने परम गुरु जी को बताया कि सज्जन सेवक ब्रह्मचारी के तो रक्त की धारा बह रही है, तो परम गुरु जी भाग कर आए और उनकी आंखों में किरणधर करने लगे, उनको अस्पताल लेके गए। परंतु उन्होंने कैसे किया, जो गुरु का आदेश है, गुरुदेव ने बोला नहीं भी बोला, उत्तम सेवक के लक्षण है। जो गुरुदेव क्या चाहते हैं कैसे नहीं चाहते, एक तो वो सेवक होते हैं जो बोलने पर करते, एक जो बोलने से भी नहीं करते, और एक होता है बोलने से पहले कर देते। तो एक समय क्या 104 डिग्री बुखार था, 104 डिग्री बुखार होने पर भी क्या किया, बहुत सारे कुछ लोग अतिथि आ गए, तो रसोई कौन बनाएगा, सज्जन सेवक ब्रह्मचर्य रसोई बनाने, उनके सज्जन तुम सो रहे उठो रसोई बनानी है, तुरंत उठ गए और रसोई बनाई सबके लिए। बाद में परम गुरु जी को पता लगा इनको 104 डिग्री बुखार है, बताया नहीं गुरु जी को। हम लोग अपने गुरु जी कष्ट बताते ना, प्रभु मेरा ये ठीक करो गुरुदेव, मेरी समस्या मेरी समस्या। जो जितना शरणागत होगा वो अपना कष्ट छुपाएगा और गुरु जी की क्या करेगा, सेवा करेगा। जब रसोई बना दी तो परम भेजेंगे नहीं गुरुदेव। इन्होंने क्या किया है, हमारे जितने भी गुरु वर्ग है आप देखेंगे एक चीज, अपनी सेवा के द्वारा रिझाया गुरु जी को भगवान को, और किसी विद्वता के द्वारा पांडित्य के द्वारा धन के द्वारा किसी भी से हम गुरुदेव को रिझा नहीं सकते। यही हमारी गुरुवर को आदर्श चरित्र है, एक निष्कपट सेवा के द्वारा हम अपने गुरुदेव को रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसी जो सेवा वृत्ति है, जो निष्कपट है, वो हमारे हृदय में आए, यही इनकी तिथि पे हम लोग प्रार्थना करते हैं। अभी हम लोग और जो लोगों ने इसमें थोड़ी भी सेवा की है, जो फूलों को कितना सुंदर सजाया, देख रहे हो कितना घंटा लगा हुआ इसमें, एक एक कली को एक एक प्रेम से भाव से सजाया, श्रीदाम प्रभु जी, गौर सुंदरपुर जी, ये बीनू हर्ष, बहुत सारे बच्चे लोगों ने, और हमारी माताओं ने इतनी सुंदर को फूलमाला देखो कैसी सुंदर बनाई है। ये हमारी शशि दीदी, ऐश्वर्या दीदी, धना माता, और बहुत सारे बच्चे नाम भी सृष्टि कृष्णा है, और बहुत सारी माताओं ने 56 भोग बना के लाए हैं। सुबह सुबह आ गई 4:30 बजे मंगल आरती, और अभी भी लोग लेके आ रहे हैं। तो गुरुदेव तो सब कुछ देख रहे हैं, वो आज भी यहाँ पर विराजमान होकर एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं, एक एक सेवा वृत्ति को देख रहे हैं। तो वो यहाँ पर विराजमान होकर अपने आप ही हम पर कृपा कर रहे हैं। तो मैं निश्चित ही, मेरे को ये विश्वास है, जिन्होंने थोड़ी भी सेवा की है, ब्रजेश प्रभु 56 भोग की मिठाई लेके आए हैं, तो उनके ऊपर गुरुदेव निश्चित ही कृपा करेंगे। और मैं जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में मेरी प्रार्थना, मेरी भी ऐसी सेवा वृत्ति प्राप्त हो, मैं भी कभी ऐसे गुरु की सेवा कर सकता हूँ, यही मैं गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अभी हाँ, आज का जो प्रसाद है, पूरा प्रसाद, फूलों की सेवा, भंडारा, जो जितना प्रसाद बनाया, हमारे सुनील प्रभु है, सुनील कहाँ खड़ा हो ना, ये सुनील खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, पूरा प्रसाद उन्होंने दिया, पूरा प्रसाद सब फूलों को लाए हैं, सब लाए हैं, जितना मटर पनीर साग पनीर चावल दाल राजमा जो भी कुछ आया है सब इन्होंने दिया, दूध दही घी सब सब इन्होंने दिया। ठाकुर जी की आइए, गुरु जी की आरती कर लो, सब लोग फूल है, सब पुष्पांजलि प्रदान करना, सब के सब धक्का मुक्का एक एक करके करना, धक्का मुक्की नहीं करना। सुनील और उसकी मैया आ रही है, उसकी मैया आई, सुनील का हाँ इधर इधर आ जा, इधर आ जा, उनकी परिवार के लोग से जाए, सुनील इधर आ जा, भाई मम्मी कहाँ है, इसको मामी बहन आ जाएगा, ये बढ़िया से इसका फटल हो। आजा छापनी जल्दी जल्दी आ जा, हाँ ये इसका आज आज पात्र है, और लाइव चला रहे हो क्या, बेटी की बेटी है, और कोई थोड़ा सा क्यों, मुझे मुझे भी आती है, इधर बच्चे ठीक है, उसमें वही जा रहा हूँ, किस पे लाइन कर रहा हूँ, इसके ऊपर लगना ठीक है, थोड़ा थोड़ा फूल ले आओ, स्वस्थ बात निकल के देते अभी ये हो जाएगा ना, आरती आरंभ कर रहे हो, एक दो चार फूल ले आओ, वहाँ से दो चार फूल ले आओ, मैं स्वस्थ बात निकल के देता हूँ, और इसका बेटा का है,
हाँ फूल फूल ले आओ। नारे बोलो ओम अब लोग बोलो स्वस्ति न गोविंदः गोविंदः स्वस्ति न अच्युतानंदो स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर् दधातु स्वस्ति न वैनतयो हरि ठीक है स्वस्ति न अंजना सुतो हनुर भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलाई केश महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्तेसाम जयस्तेसाम कृतस्तेसाम पराभव जयसाम इंदिवर श्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या नाम इसका? गौरांग प्रभु की जय। तो उसका आशीर्वाद आज जन्मदिन आज इसके उपलक्ष्य में सब उत्सव दे रहे हैं ना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगती सदमा बंद मोहि सावधान बाते बंद मोहि सावधान बाते बंदो मोहि सावधान बाते बंद मोहि सावधान बाते जहार प्रसाद भाई ए भवतरिया जाय जहार प्रसाद भाई ए भवतरिया जाय कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ ते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त करिया गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त करिया अरे ना करी हमने आशा 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 श्री गुरु चरणे रती श्री गुरु चरणे रती से उत्तम गति जय प्रसाद पूरे सर्वाशा जय प्रसाद पूरे सर्वाशा जय प्रसाद पूरे सर्वाशा जय प्रसाद पूरे चुलान दिला दे जन्मे जन्मे प्रभु से चुलान दिला दे जन्मे जन्मे प्रभु से चुलान दिला दे जन्मे जन्मे प्रभु से विद्यान विद्य प्रकाशिता विद्यान विद्य प्रकाशिता तेरा भक्ति जहाँ ते अविद्या विनाश जाते भक्ति गाय अभी विनाश जाते
चरिता वेदे गाएगा हर चरिता गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु 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 लोके रे दीवाना लोके नाथे लोके रे दीवाना प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया दे करो दया दे हमारे पद छाया गुरु दे दया दे हमारे पद छाया पद लई जो शरणा पद लई जो शरणा शिवा गुरु देव प्रतीत हाथ उठा के
आप लोग सब लाइन करके ये आसन अभी उठा दो, यहाँ से उठा दो और सब लाइन करके सब बैठ जाओ।